हेलो दोस्तों, तो चलिए इसमें बात करते हैं हम लोग करंट अफेयर जनवरी 2019 के बारे में। 1 जनवरी 2019 को नवगठित भारत के 25वें उच्च न्यायालय के आंध्र प्रदेश के पहले कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो है सी त्रिवेद कुमार, याद रखिए सी त्रिवेद कुमार। 1 जनवरी 2019 को तेलंगाना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये है TVN राधाकृष्णन। 1 जनवरी 2019 को किसने आयुध निर्माणी बोर्ड के महानिदेशक और अध्यक्ष के रूप में पद भार ग्रहण किया है? तो ये सौरभ कुमार। अगला, 1 जनवरी 2019 को भारतीय सिनेमा के किस प्रसिद्ध अभिनेता और लेखक का 81 वर्ष की आयु में कनाडा में निधन हो गया? तो यह कादर खान। अगला है, 1 जनवरी 2019 को कौन से दो देश आधिकारिक तौर पर यूनेस्को से अलग हो गए? तो यह अमेरिका और इजराइल। अगला है, 2 जनवरी 2019 को पाकिस्तान के प्रांतीय सरकार ने किस हिंदू धार्मिक स्थल को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया है? तो यह पंज तीर्थ हिंदू धार्मिक स्थल। अगला है, 2 जनवरी 2019 को क्रिकेट कोच रमाकांत आचरेकर का निधन हो गया। वे किस दिग्गज क्रिकेटर के बचपन के कोच थे? तो यह सचिन तेंदुलकर के। अगला है, 2 जनवरी 2018 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किन बैंकों के विलय को अपनी मंजूरी दी है? तो यह बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक और देना बैंक। अगला है, 3 जनवरी 2019 को चंद्रमा के दूसरी ओर यान उतारने वाला पहला देश कौन बना? चीन। अगला है, 3 जनवरी 2019 को सौभाग्य योजना के अंतर्गत कितने राज्यों में 100% विद्युतीकरण पूरा हो गया? तो 25 राज्य। अगला है, 3 जनवरी 2019 को भारतीय साइंस कांग्रेस के 106वें भारतीय वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए किसने जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान का घोष किया है? तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला है, 3 जनवरी 2019 को 106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस में किसे एग्जीबिटर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है? तो यह रक्षा अनुसंधान विकास संगठन। अगला है, 3 जनवरी 2019 को किस एयरपोर्ट का नाम बदलकर महाराजा वीर विक्रम मणिक किशोर एयरपोर्ट किया गया? तो यह अगरतला एयरपोर्ट। अगला है, 4 जनवरी 2019 को अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसेंट पर चढ़ने वाली पहली महिला पर्वतारोही कौन बनी? तो यह अरुणिमा सिंह। अगला है, 4 जनवरी 2019 को पाकिस्तान द्वारा स्वदेश में विकसित सॉकेट A100 की सीमा क्या है? तो यह 100 किलोमीटर। अगला है, 4 जनवरी 2019 को ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट शतक लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर की पर कौन बने? तो यह ऋषभ पंत। अगला है, 4 जनवरी 2019 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो यह विश्व वेल दिवस। अगला है, 4 जनवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस जगह दोली तावी बैराज परियोजना का उद्घाटन किया? तो मणिपुर। अगला है, 5 जनवरी 2019 को 3 बार ओपन कप जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? तो यह स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर। अगला है, 5 जनवरी 2019 को ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में हॉफमैन कप 2019 का खिताब किसने जीता? यह स्विट्जरलैंड ने जर्मनी को हराकर। अगला है, 5 जनवरी 2019 को प्रो कबड्डी लीग के 6ठे संस्करण का खिताब किसने जीता? तो यह बेंगलुरु बुल्स ने गुजरात फॉर्च्यून जॉइंट को पराजित कर। अगला है, 5 जनवरी 2019 को भगोड़ा आर्थिक अपराधी कानून 2018 के तहत देश का पहला भगोड़ा आर्थिक अपराधी किसे घोषित किया गया? विजय माल्य। अगला है, 5 जनवरी 2019 को आई लीग में अब तक के सबसे युवा गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बने? तो यह 16 वर्षीय भारतीय फुटबॉलर रोहित दानू। अगला है, 5 जनवरी 2019 को ओडिशा सरकार ने मिशन शक्ति योजना के तहत स्वयं सहायता समूह के लिए कितने रुपए तक के ऋण पर 0%
ब्याज की घोषणा की है तो 3 लाख। अगला है 5 जनवरी 2019 को नई दिल्ली में शुरू 9 दिवसीय 27वें विश्व पुस्तक मेले का विषय क्या था? ये था रीडर्स विद स्पेशल नीड्स। अगला है 6 जनवरी 2019 को कैलिफोर्निया में आयोजित 76वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के तहत ड्रामा श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तथा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता? तो एक क्रमशः रामी गलेट और ग्लेन क्लोज। अगला 6 जनवरी 2019 को 76वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड से किसे किस फिल्म में विदेशी भाषा श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? तो रोमान। अगला 6 जनवरी 2019 को भारत ने किस देश में 1948 के बाद पहली बार टेस्ट सीरीज खेली जीता? तो ऑस्ट्रेलिया। अगला 6 जनवरी 2019 को केंद्र सरकार ने इसरो को अंतरिक्ष क्षेत्र में विभिन्न लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कितने रुपये आवंटित किए? तो यह 10,900 करोड़ रुपए। अगला 7 जनवरी 2019 को केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को के लिए सरकारी नौकरियों व शिक्षण संस्थानों में कितने प्रतिशत आरक्षण दिए जाने की घोषणा की है? तो 10%। अगला 7 जनवरी 2019 को भारत ने कहा रणनीतिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण चाबहार बंदर का परिचालन शुरू किया ईरान में। अगला 7 जनवरी 2019 को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने शैक्षिक वर्ष 2019-20 से जवाहर नवोदय विद्यालय में कितने सीटें बढ़ाने की घोषणा की है? तो यह 5,000 सीटें। अगला 7 जनवरी 2019 को भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 106वां सत्र कहां संपन्न हुआ? तो यह जलंधर। अगला 8 जनवरी 2019 को भारतीय रिजर्व बैंक ने किसको डिजिटल पेमेंट समिति का चेयरमैन बनाया? तो यह नंदन नीलेकणी। अगला 8 जनवरी 2019 को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का 105वां सदस्य कौन बना? तो यह अमेरिकी क्रिकेट संघ, यूएसए क्रिकेट। अगला 8 जनवरी 2019 को कार्यालय पूरा होने से पहले इस्तीफा देने वाले मलेशिया के पहले सम्राट कौन बने? तो यह सुल्तान मोहम्मद 5वें। अगला 8 जनवरी 2019 को एशिया प्रतिस्पर्धात्मक संस्थान द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? आंध्र प्रदेश। अगला 9 जनवरी 2019 को सशक्त सीमा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? यह कुमार राजेश चंद। अगला 9 जनवरी 2019 को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री का पदभार किसने संभाला? यह गीता गोपीनाथ। अगला 9 से 20 जनवरी 2019 के बीच खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2019 का आयोजन कहां हुआ? पुणे महाराष्ट्र में। अगला 9 जनवरी 2019 को कहां में देश का सबसे लंबा सिग्नल लैंड स्टील केबल ब्रिज बोरंग पुल का उद्घाटन किया गया? तो यह सिक्किम में। अगला 9 जनवरी 2019 को सवर्णों को 10% आरक्षण वाला विधेयक राज्यसभा में कितने मतों से पारित हुआ? तो 165, लोकसभा में 323 से। 10 जनवरी 2019 को जारी हेलेने पासपोर्ट सूचकांक 2019 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो यह 79 मतलब 79 प्रथम पर जापान। अगला 10 जनवरी 2019 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो यह विश्व हिंदी दिवस। अगला 10 जनवरी 2019 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार भारत कब तक विश्व का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार बन जाएगा? 2030। अगला 10 जनवरी 2019 को वेनेजुएला के राष्ट्रपति के पद की शपथ किसने ली है? तो है निकोलस मदुरो। अगला 11 जनवरी 2019 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मिशन गगनयान को कब लॉन्च किया? तो दिसंबर 2021 की घोषणा की है, ठीक है। अगला 11 जनवरी 2019 को टोक्यो ओलंपिक के लिए सेफ द मिशन के रूप में किसे नामित किया गया? वीरेंद्र प्रसाद बेस को। अगला 11 जनवरी 2019 को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नया महासचिव किसे नियुक्त किया है? तो यह जयदीप गोविंद। अगला 12 जनवरी 2019 को भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो यह राष्ट्रीय युवा दिवस। अगला 12 जनवरी 2019 को ताइवान का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो यह सो तेसेंग चेंग।
अगला है 12 जनवरी 2019 को राष्ट्रीय रामनाथ कोविंद, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारतीय सेना के जनरल की मानद पदवी से सम्मानित किया है तो यह नेपाल के सेना प्रमुख जनरल पूर्ण चंद थापा को। अगला है 12 जनवरी 2019 को किस राज्य सरकार ने एक परिवार एक नौकरी योजना का शुभारंभ किया है तो यह सिक्किम सरकार। अगला है 12 जनवरी 2019 को मैसेडोनिया ने अपने देश का नाम बदल कर क्या रखा तो यह उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य। अगला है 12 से 13 जनवरी 2019 के मध्य पहली भारत मध्य एशिया वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया तो यह उज्बेकिस्तान स्थित समरकंद में। अगला है 14 जनवरी 2019 को आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को 10% आरक्षण देने वाला पहला राज्य कौन बना है गुजरात। अगला है 14 जनवरी 2019 को सुशीला देवी साहित्य पुरस्कार किसे जीता है तो यह नमिता गोखले। उपन्यास है थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए। अगला है 14 जनवरी 2019 को पहला प्रीमियर बैडमिंटन लीग का खिताब किसने जीता है तो यह बेंगलुरु रैप्टर्स ने मुंबई रॉकेट्स को हराकर। अगला है 14 जनवरी 2019 को दिल्ली में पहली बार फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल सम्मान से किसे सम्मानित किया गया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला है 14 जनवरी 2019 को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया तो यह बुद्ध देव दास गुप्ता। अगला है 15 जनवरी 2019 को प्रतिवर्ष मनाए जाने वाले सेना दिवस परेड कार्यक्रम में पहली बार सेना की टुकड़ी का नेतृत्व करने वाली महिला ऑफिसर कौन बनी तो यह भावना कस्तूरी। अगला है 15 जनवरी 2019 को संपन्न विजय मर्चेंट ट्रॉफी 2018-19 का खिताब किसने जीता है तो यह हरियाणा ने झारखंड को पराजित कर। अगला है 15 जनवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा में कितने करोड़ रुपए का विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है तो ये 1500 करोड़ रुपए। अगला है 15-16 जनवरी 2019 को पहला ग्लोबल एविएशन सम्मेलन फ्लाइंग फॉर ऑल विषय के साथ कहाँ आयोजित किया गया मुंबई में। अगला है 16 जनवरी 2019 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में किसको अपना नया सीईओ नियुक्त किया तो है मनु साहिनी। अगला है 16 जनवरी 2019 को भारत म्यांमार के बीच एमबैक्स 2018-19 युद्धाभ्यास कहाँ शुरू हुआ है हरियाणा के चंडी मंदिर मिलिट्री स्टेशन। अगला है 16 जनवरी 2019 को केंद्र सरकार ने पिछले 4 वर्षों के लिए गांधी शांति पुरस्कार की घोषणा की है वर्ष 2018 के लिए पुरस्कार किसे नवाजा गया यो ही सासाकावा विश्व स्वास्थ्य संगठन के सद्भावना दूत हैं। अगला है 16 जनवरी 2019 को फेंको जर्मन मानव अधिकार पुरस्कार किसने जीता है तो ये यू बेंसेंग चीनी वकील। अगला है 16 जनवरी 2018 को भारत के सबसे कम आयु के ग्रैंड मास्टर कौन बने तो ये चेन्नई के केडी मुकेश। अगला है 17 जनवरी 2018 को प्रतिष्ठित लॉरिस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड के लिए नामित होने वाली पहली भारतीय कौन बनी तो यह महिला पहलवान विनेस फोगाट। अगला है 17 जनवरी 2019 को विश्व का पहला मानवाधिकार को समर्पित टीवी चैनल कहाँ है लंदन में आरंभ हुआ है। 18 जनवरी 2019 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट में बीटेक शुरू करने वाला देश का पहला संस्थान कौन बना तो यह आईआईटी हैदराबाद। अगला है 18 जनवरी 2019 को जापान पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया तो यह डॉक्टर रतन लाल को। अगला है 18 जनवरी 2019 को रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने मिलिट्री पुलिस में कितना फीसदी महिलाओं को भर्ती करने की घोषणा की है तो 20%। अगला है 18 जनवरी 2019 को वर्ष 2020 हेतु विश्व की पहली वास्तुकला की वैश्विक राजधानी किसे घोषित किया गया तो यह रियो डी जेनेरो ब्राजील। अगला है 19 जनवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भारतीय सिनेमा के राष्ट्रीय संग्रहालय का उद्घाटन किया है तो यह मुंबई। अगला है 20 जनवरी 2019 को पुणे में संपन्न खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2019 थीम है 5 मिनट दौड़ में पदक तालिका में कौन सा राज्य पहले स्थान पर आया तो महाराष्ट्र। आपको बता दें दूसरे स्थान पर हरियाणा रहा और तीसरे स्थान पर नई दिल्ली। अगला 20 जनवरी 2019 को संपन्न खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2019 का शुभंकर का जया और विजय में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीतने किसने जीते तो तैराक श्रीहरि नटराज ने 7 स्वर्ण पदक।
अगला है 20 जनवरी 2019 को संपन्न खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2019 में पहला गोल्ड मेडल तथा महिला वर्ग में पहला गोल्ड मेडल किसने जीता, तो है क्रमशः मोहम्मद राफे जिम्नास्ट में और प्रतिष्ठा सामत जिम्नास्ट में। अगला 20 जनवरी 2019 को संसद रत्न सम्मान से किसे सम्मानित किया गया, तो है सांसद अनुराग ठाकुर। अगला 21 जनवरी 2019 को रिजर्व बैंक के IEDFC फर्स्ट बैंक के CEO के रूप में किसने किसकी नियुक्ति को मंजूरी दी है, तो वी वैद्यनाथन। अगला 21 से 23 जनवरी 2019 के मध्य आयोजित 15वां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का मुख्य अतिथि कौन थे, तो मॉरिशस के प्रधानमंत्री श्री प्रवीण जगन्नाथ। अगला 22 जनवरी 2019 को विश्व आर्थिक मंच 2019 की वार्षिक बैठक कहां संपन्न हुई, तो स्विट्जरलैंड के दावोस में। अगला है 22 जनवरी 2019 को ICC अवार्ड 2018 के तहत सर्वश्रेष्ठ वनडे और टेस्ट खिलाड़ी के साथ सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर किसे घोषित किया गया, तो है क्रिकेटर विराट कोहली जी। अगला है 22 जनवरी 2019 को झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने वर्ष 2019-20 के लिए तहत कितने करोड़ का बजट पेश किया है, तो यह 85,429 करोड़ रुपए। अगला है 22 जनवरी 2019 को प्रथम शेख सो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किसे चुना गया, तो यह भारत रत्न से सम्मानित वैज्ञानिक CN राव। अगला है 12 जनवरी 2019 को वर्ष 2017 के प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया, तो है गुजराती साहित्यकार सिद्धांशु यशचंद। अगला है 22 जनवरी 2019 को APG कोलकाता लिटरेरी फेस्टिवल में वुमन वॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया रंजनी मुरली। अगला है 23 जनवरी 2019 को सबसे तेज 100 एक दिवसीय विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने, तो मोहम्मद शमी। अगला है 23 जनवरी 2019 को वित्त मंत्रालय और कॉरपोरेट मामले के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया, तो है केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल। अगला है 24 जनवरी 2019 को येस बैंक के CEO और MD किसे नियुक्त किया गया, तो है रवनीत सिंह सिंगल। अगला है 24 जनवरी 2019 को किस क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, तो दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटर जोहान बोथा। अगला है 24 जनवरी 2019 को देश में कौन सा दिवस मनाया गया, तो राष्ट्रीय बालिका दिवस। अगला है 25 जनवरी 2019 को इंडिगो का नया CEO किसे नियुक्त किया गया, तो रोनो जोय दत्ता। अगला है 25 जनवरी 2019 को हिंदी के प्रसिद्ध किस लेखक का निधन हो लेखिका का निधन हो गया, तो कृष्णा सोवती। अगला 25 जनवरी 2019 को देश के दूसरे सबसे प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से किस लोक गायिका को सम्मानित किया गया, तो है तीजन भाई। 25 जनवरी 2019 को पद्म श्री से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय ट्रांसजेंडर बनी है नर्तकी नटराज। अगला 25 जनवरी 2019 को राष्ट्रपति भवन की ओर से वर्ष 2019 में 3 हस्तियों को भारत रत्न की देने की घोषणा की गई, तो यह है सामाजिक कार्यकर्ता नानाजी देशमुख, इन्हें मरणोपरांत दिया गया। गीतकार एवं संगीतकार भूपेन हजारिका, इन्हें भी मरणोपरांत दिया गया। 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भी दिया गया, तो याद रखिए नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका और 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। अगला 25 जनवरी 2019 को किस थीम के साथ राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया, तो यह कोई भी मतदाता पीछे नहीं छूटना चाहिए, नो वोटर टू बी लेफ्ट बिहाइंड। अगला 26 जनवरी 2019 को 70वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे, तो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति श्री रामपोसा। अगला 26 जनवरी 2019 को गणतंत्र दिवस के मौके पर किसे मरणोपरांत अशोक चक्र सम्मानित किया गया, है लॉन्स नायक नजीर अहमद वानी। अगला 26 जनवरी 2019 को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ष 2018 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना, तो नारी शक्ति शब्द को। अगला 27 जनवरी 2019 को संपन्न इंडोनेशियाई मास्टर्स का खिताब किसने जीता, वे साइना नेहवाल ने कैरोलिना मारिन द्वारा। अगला 27 जनवरी 2019 को संपन्न ऑस्ट्रेलिया ओपन 2019 में पुरुष तथा महिला के एकल का खिताब किसने जीता है, तो है क्रमशः नोवाक जोकोविच सर्बिया के, नाओमी ओसाका जापान की है।
अगला 27 जनवरी 2019 को जारी रिपोर्ट के अनुसार चीन के बाद विश्व में दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश कौन बना? भारत। अगला 28 जनवरी 2019 को जारी विश्व के मूल्यवान ब्रांड्स की सूची में भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना? तो टाटा ग्रुप। अगला 29 जनवरी 2019 को भारत के किस पूर्व रक्षा मंत्री का निधन हो गया? तो यह जॉर्ज फर्नांडिस। अगला 29 जनवरी 2018 को हिंदी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो चित्रा मुदगल को। उपन्यास पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपरा के लिए। अगला 29 जनवरी 2019 को संपन्न स्वस्थ भारत यात्रा अभियान के तहत किस राज्य को अपनी सक्रिय भागीदारी के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया? तमिलनाडु। अगला 30 जनवरी 2019 को पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला सिविल जज कौन बनी? तो सुमन कुमारी। अगला 30 जनवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमक सत्याग्रह स्मारक का उद्घाटन किया? तो दांडी गुजरात में। अगला 30 जनवरी 2019 को फेडरल बैंक का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो है दिलीप रंगानी को। अगला 31 जनवरी 2019 को राष्ट्रीय कैडेट कोर के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला? तो राजीव चोपड़ा। अगला है 31 जनवरी 2019 को मलेशिया के नए राजा के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? तो यह सुल्तान अब्दुल्ला सुल्तान अहमद शाह। तो दोस्तों ये थी जनवरी की करंट अफेयर्स 2019 की, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं करंट अफेयर्स फरवरी 2019 के बारे में। 1 फरवरी 2019 को विश्व बैंक का अंतरिम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो एक क्रिस्टलीना जॉर्ज इवा बुल्गारिया के हैं, ठीक। अगला 1 फरवरी 2019 को अबू धाबी में खेले गए एशिया कप फुटबॉल का चैंपियन कौन बना? तो कतर, जापान को हराकर। अगला 1 फरवरी 2019 को पेश बजट 2019-20 में किस योजना के तहत 2 हेक्टेयर जमीन की तक की जमीन रखने वाले किसान को प्रति वर्ष 6,000 रुपए दिए जाने की घोषणा की गई? तो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना। अगला 1 फरवरी 2019 को पेश बजट 2019 में इनकम टैक्स की छूट की सीमा 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दी गई? 5 लाख रुपए। अगला 1 फरवरी 2019 को पेश किए गए अंतरिम बजट 2019 में विजन 2030 के अंतर्गत कितने आयामों की घोषणा की गई? तो है 10। अगला 1 फरवरी 2019 को पेश किए गए अंतरिम बजट 2019-20 में मनरेगा के लिए कितने करोड़ रुपए की आवंटन किया गया? तो यह 60,000 करोड़। अगला 1 फरवरी 2019 को भारत की पहली सेमी हाइड स्पीड रेलवे ट्रेन 18 का नाम बदलकर क्या क्या दिया गया? तो यह वंदे भारत एक्सप्रेस। अगला 2 फरवरी 2019 को केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो यह ऋषि कुमार शुक्ला। अगला 2 फरवरी 2019 को कोलंबिया गणराज्य में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? यह संजीव रंजन। अगला 2 फरवरी 2019 को अमेरिकी सरकार ने रूस के साथ की गई किस संधि से बाहर जाने का ऐलान किया? तो यह इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस इन टी। 2 फरवरी 2019 को वेटलैंड्स एंड क्लाइमेट चेंज विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस। अगला 3 फरवरी 2019 को किस उच्च न्यायालय ने IIT जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों की प्रवेश परीक्षा में नेगेटिव मार्क के दिए जाने की प्रणाली को तत्काल समाप्त करने का निर्देश दिया है? तो मद्रास उच्च न्यायालय ने। अगला 3 फरवरी 2019 को पंजाब राज्य सरकार राज्य का जलीय जानवर किसे घोषित किया गया? तो डॉल्फिन को। अगला 3 फरवरी 2019 को ऑस्ट्रेलिया लीडिंग PGA टूर कार्ड प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? गोल्फर वाणी कपूर। अगला 3 फरवरी 2019 को संयुक्त राष्ट्र ने 1869 में अपने पहले प्रकाशन को उजागर करने के लिए वर्ष 2019 को किस अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया? तो यह रासायनिक तत्वों के आवर्त सारणी के अंतरराष्ट्रीय वर्ष कोष, ठीक है। अगला 3 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जम्मू कश्मीर में कितने करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजना का उद्घाटन किया गया?
तो है 44,000 करोड़ रुपए। अगला है 3 फरवरी 2019 को भारत में नेपाल का राजदूत किसे नियुक्त किया, तो नेपाल के पूर्व विधि मंत्री नीलांबर आचार्य। अगला है 4 फरवरी 2019 को विश्व भर में मैं हूँ और मैं रहूंगा आई एम एंड आई विल विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया, विश्व कैंसर दिवस। अगला है 4 फरवरी 2019 को किसने वर्ष 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की घोषणा की है, तो यह तुलसी गिलार्ड। अगला है 4 फरवरी 2019 को पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री मित्रा ने कितने रुपए का 2019-20 का बजट पेश किया है, तो 2.37 लाख करोड़। अगला है 5 फरवरी 2019 को पंजाब का राजकीय जलीय जीव किसे घोषित किया गया, तो है सिंधु नदी डॉल्फिन को। अगला है 5 फरवरी 2019 को कॉरपोरेशन बैंक का सीईओ किसे नियुक्त किया गया, तो है पीवी भारती। अगला है 5 फरवरी 2019 को जारी डिजिटल सिविलिटी इंडेक्स में भारत किस स्थान पर आया, तो 7वें। अगला है 6 फरवरी 2019 को जारी अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2019 में भारत किस स्थान पर आया, तो 36वें। अगला है 6 फरवरी 2019 को भारत का नवीनतम जी सेट 31 संचार उपग्रह कहां से प्रक्षेपित किया गया, तो फिंच गुआना। अगला है 6 फरवरी 2019 को नाटो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन का 30वां सदस्य बनने वाला देश है उत्तरी मैसिडोनिया। अगला है 6 फरवरी 2019 को चेन्नई पुलिस ने चोरी की शिकायत दर्ज करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, तो डीजी कॉप। अगला है 7 फरवरी 2019 को फ्रांस के का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार लीजन ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया, तो पादरी फादर फैंक्विस लेवोल्डे। अगला है 8 फरवरी 2019 को रणजी ट्रॉफी 2019 का खिताब किसने जीता, विदर्भ ने सौराष्ट्र को हरा को 78 रन से हराकर। अगला है 9 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री मोदी ने अरुणाचल प्रदेश के लिए किस नाम से नए दूरदर्शन चैनल का उद्घाटन किया है, डीडी अरुण प्रभा। अगला है 9 फरवरी 2019 को किस टीम ने 9वीं सीनियर राष्ट्रीय हॉकी पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2019 जीती है, तो रेलवे खेल संवर्धन बोर्ड ने। अगला है 9 फरवरी 2019 को किस मध्य पूर्वी देश की अदालत ने हिंदी को तिथि आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया, संयुक्त अरब अमीरात। अगला है 9 फरवरी 2019 को संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में न्यायालय की तीसरी आधिकारिक भाषा कौन बन गई, तो हिंदी। अगला है 9 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर का तीसरा संभाग कौन बना, लद्दाख। अगला है 10 फरवरी 2019 को किस फिल्म को ब्रिटिश अकादमी फिल्म अवार्ड बाफ्टा 2019 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार दिया गया, रोमा को। अगला है 10 फरवरी 2019 को 61वें ग्रैमी अवार्ड के तहत एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया, तो गोल्डन ओवर को। अगला है 10 फरवरी 2019 को 61वें ग्रैमी अवार्ड में रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है, तो है चाइलीस डिडिस ग्रेमिनो। अगला है 10 फरवरी 2019 को इजराइल का प्रतिष्ठित डैन डेविड पुरस्कार के लिए किसे ने चुना गया, तो भारतीय इतिहासकार संजय सुब्रमण्यम। अगला है 10 फरवरी 2019 को किस देश द्वारा भारतीय वायुसेना के लिए 4 चिनूक हेलीकॉप्टर की आपूर्ति की गई, तो संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा। अगला है 10 फरवरी 2019 को चेन्नई ओपन एटीपी चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट 2019 का खिताब किसने जीता है, तो है कोरिटिन मोटेट ने एंड्रयू हैरिस को हराकर। अगला है 11 फरवरी 2019 को भूटान में भारत के राजदूत किसे नियुक्त किया गया, तो है रुचिरा कंबोज। अगला है 11 फरवरी 2019 को बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास अमन 19 कहां से शुरू हुआ है, तो कराची में हुआ है। अगला है 11 फरवरी 2019 को अफ्रीकी संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी को। अगला है 11 फरवरी 2019 को किसने विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। अगला है 12 फरवरी 2019 को आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन 2019 किस स्थान पर आयोजित किया गया, तो गुवाहाटी असम में।
अगला है 12 फरवरी 2019 को कोबरा गोल्ड 2019 सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ है, तो थाईलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका। 12 फरवरी 2019 को भारत का पहला मेगा एक्वा फूड पार्क किस राज्य में चालू किया गया, तो आंध्र प्रदेश में। अगला है 12 फरवरी 2019 को आगामी आईपीएल के लिए राजस्थान रॉयल्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे नामित किया गया, तो है सैन वार्न। अगला है 12 फरवरी 2019 को स्वच्छ शक्ति 2019 पुरस्कार समारोह में किस शहर में आयोजित किया गया, तो है कुरुक्षेत्र। अगला है 12 फरवरी 2019 को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो है राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। अगला है 13 से 14 फरवरी 2019 को पांचवें अंतरराष्ट्रीय विमान सुरक्षा सम्मेलन 2019 किस शहर में आयोजित किया गया, तो यह भुवनेश्वर उड़ीसा में। अगला है 13 फरवरी 2019 को संवाद सहिष्णुता और शांति प्रसारण विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया, तो यह विश्व रेडियो दिवस। अगला है 13 फरवरी 2019 को एमआरएफ चैलेंज खिताब जीतने वाली पहली बार महिला ड्राइवर कौन बनी, तो यह इंग्लैंड की जेमी चैडविक। अगला है 14 फरवरी 2019 को मेघालय में 2022 में होने वाली राष्ट्रीय खेलों के लिए शुभंकर किसे घोषित किया गया, तो तिंदुआ को। अगला है 14 फरवरी 2019 को किस राज्य सरकार ने सेवानिवृत्त पत्रकारों के लिए पत्रकार सम्मान पेंशन योजना लागू करने की घोषणा की है, तो यह बिहार। अगला है 14 फरवरी 2019 को कहां में आतंकवादियों द्वारा सीआरपीएफ के काफिले पर फिदायन हमला कई जवान शहीद हो गए, तो जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के अवंतीपुरा में। अगला है 14 फरवरी 2019 को किसे नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया, तो है सुशील चंद्रा। अगला है हमारा 15 फरवरी 2019 को मैसेडोनिया ने आधिकारिक तौर पर अपना नाम बदलकर क्या किया, तो त्री मैसेडोनिया। अगला है 15 फरवरी 2019 को किन दो देशों ने समुद्री प्रदूषण से निपटने के लिए पहल आरंभ की है, भारत और नॉर्वे। अगला है 15 फरवरी 2019 को केंद्र ने गुजरात के गिर में एशियाई शेर संरक्षण के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए, तो 59 करोड़ रुपए। अगला है 15 फरवरी 2019 को किस राज्य सरकार ने डिक्की बंदी स्टेडियम का नाम बदलकर पीए संगमा रखने की घोषणा की है, तो मेघालय राज्य सरकार ने। अगला है 15 फरवरी 2019 को सातवां वार्षिक विश्व सरकार शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया, दुबई में। अगला है 15 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली किस सेमी हाई स्पीड ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया, तो वंदे भारत एक्सप्रेस। अगला है 15 फरवरी 2019 को पुलवामा में आतंकी हमले के बाद भारत ने किस देश से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस किया, तो पाकिस्तान। अगला है 16 फरवरी 2019 को एयर इंडिया का नया सीएमडी किसे नियुक्त किया गया, तो अश्विनी लुहानी। अगला है 16 फरवरी 2019 को किस देश के राष्ट्रपति ने अवैध आतंकियों से देश की रक्षा के लिए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है, तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। अगला है 16 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना IAF की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी, तो हिना जायसवाल। अगला है 16 फरवरी 2019 को संयुक्त राष्ट्र ने किस कंट्रोलर और ASG नियुक्त किया, तो भारत के चंद्रमौली रामनाथन को। अगला है 16 फरवरी 2019 को फिल्म ए स्टार एज बॉर्न के लिए पेटा का ऑस्कर अवार्ड किसने जीता, तो ब्रैडली कपूर। अगला है 16 फरवरी 2019 को EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है सिद्धार्थ लाल। अगला है 17 फरवरी 2019 को केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो है PC मोदी। अगला है 17 फरवरी 2019 को किस खिलाड़ी ने अंतरराष्ट्रीय वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की, तो है क्रिस गेल वेस्ट इंडीज के। अगला है 17 फरवरी 2019 को 55वें म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन कहां हुआ, तो जर्मनी के म्यूनिक में। अगला है 17 फरवरी 2019 को ईरानी कप किसने जीता, विदर्भ ने शेष भारत को हराकर। अगला 18 फरवरी 2019 को राष्ट्रपति ने वर्ष 2014-15-16 के लिए टैगोर सांस्कृतिक सद्भावना पुरस्कार जीत किसे प्रदान किया गया, तो यह किरमसा राजकुमार सिंघाजीत। छाया नाट बांग्लादेशी के देश के संस्कृति संगठन और रामजी तो सुतार। अगला है 18 फरवरी 2019 को भारतीय रिजर्व बैंक ने केंद्र सरकार को कितने करोड़ रुपए का अंतरिम लाभांश देने की घोषणा की है, तो यह 28
करोड़ 28,000 करोड़। अगला 18 फरवरी 2019 को कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ, तो अर्जेंटीना। अगला 19 फरवरी 2019 को हिंदी के मशहूर किस साहित्यकार और आलोचक का निधन हो गया, तो यह नावर सिंह। अगला 20 फरवरी 2019 को सौर गठबंधन समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 73वां देश कौन बना, तो सऊदी अरब। अगला 20 फरवरी 2019 को भारत के पहले फुल होम 3D डिजिटल थिएटर का उद्घाटन कहां पर हुआ, तो कोलकाता में। अगला 21 फरवरी 2019 को BCCI भारतीय क्रिकेट नियंत्रक बोर्ड का पहला लोकपाल किसे नियुक्त किया, तो DK जैन को। अगला 21 फरवरी 2019 को किसे दक्षिण कोरिया में सियोल शांति पुरस्कार 2018 से नवाजा गया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला 21 फरवरी 2019 को विकास शांति समन्वय में स्थानीय भाषाओं के योगदान के विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया, तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अगला 21 फरवरी 2019 को लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 के तहत स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, नोवाक जोकोविच सर्बिया के। अगला 22 फरवरी 2019 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा किस देश को वैश्विक खेल आयोजन की मेजबानी से निलंबित कर दिया, तो चीन को। अगला 22 फरवरी 2019 को किस राज्य में उत्तर पूर्व भारत के पहले राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान का उद्घाटन किया, तो यह असम के जोरहाट में। अगला 23 फरवरी 2019 को किस समाचार एजेंसी ने दुनिया की पहली महिला AI न्यूज एंकर का अनावरण किया, चीनी एजेंसी सेनहुआ ने। अगला 23 फरवरी 2019 को किस अफ्रीकी देश के प्रधानमंत्री के रूप में मोहम्मद ताहिर एला को नियुक्त किया, तो यह सूडान। अगला 23 फरवरी 2019 को दो तटरक्षक जिला मुख्यालय प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन बना, तमिलनाडु। अगला 24 फरवरी 2019 को नागालैंड के पहले लोकायुक्त किसे नियुक्त किया गया, तो यह न्यायमूर्ति उमानाथ सिंह। अगला 24 फरवरी 2019 को फ्यूचर ऑफ द नेचर अवार्ड प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी, दिव्या कर्नाड। अगला 24 फरवरी 2019 को GST परिषद में निर्माणाधीन घरों पर टैक्स 12 से घटा कर कितना कर दिया, 5%। अगला 24 फरवरी 2019 को राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा दिवस मनाया जाता है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क। अगला 25 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया है, तो नई दिल्ली में इंडिया गेट के पास। अगला 25 फरवरी 2019 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा जारी ताजा रैंकिंग में पहली बार दूसरे स्थान पर कौन सा रहा, तो न्यूजीलैंड। अगला 25 फरवरी 2019 को 91वें ऑस्कर अवार्ड 2019 के तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म एवं सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म का अवार्ड किसने जीता, तो है क्रमशः गेनबो कोरोमा। अगला 25 फरवरी 2019 को 91वें ऑस्कर अवार्ड 2019 के तहत किस भारतीय लघु फिल्म को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट का अवार्ड मिला है, तो है पीरियड एंड एंड ऑफ सेंटेंस। अगला 26 फरवरी 2019 को भारत ने किस मिसाइल का उड़ीसा से सफल परीक्षण किया है, तो है क्विक रिएक्शन मिसाइल। अगला 26 फरवरी 2019 को केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा मैं तितान वाला म्यूजियम का उद्घाटन किया, तो बगरू राजस्थान में। अगला 26 फरवरी 2019 को एशियन हॉकी फेडरेशन ने किसको प्लेयर ऑफ द ईयर 2018 से सम्मानित किया, तो मनप्रीत सिंह। अगला 26 फरवरी 2019 को T20 इतिहास में 4 गेंदों में 4 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने, राशिद खान अफगानिस्तान के। अगला 26 फरवरी 2019 को लड़ाकू जेट तेजस की सह पायलट बनने वाली पहली महिला कौन बनी, PV सिंधु। अगला 26 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी भगवद गीता का उद्घाटन किया है, इस कौन मंदिर दिल्ली में। अगला 27 फरवरी 2019 को किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने कान अंतरराष्ट्रीय शतरंज ओपन 2019 जीता है, तो है अभिजीत गुप्ता। अगला 27 फरवरी 2019 को नई दिल्ली में आयोजित विमानन सम्मेलन 2019 का विषय था सभी के लिए उड़ान। अगला 27 फरवरी 2019 को भारतीय रेलवे ने किस नाम से एक नया 18वीं रेलवे जोन बनाने की घोषणा की है, जिसका मुख्यालय आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में होगा, तो यह दक्षिणी तट रेलवे। अगला 27 फरवरी 2019 को विशेष डॉग एक्वायर्ड रखने वाला पहला राज्य कौन बना, बिहार। अगला 27 फरवरी 2019 को आई एस
एसएफ वर्ल्ड कप में किस जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो यह निशानेबाज मनु भाकर और सौरभ चौधरी। अगला है, 27 फरवरी 2019 को किस कंपनी ने भारत की पहली स्वदेश तकनीक से निर्मित सेमीकंडक्टर चिप जारी की है? तो यह सिग्नल चिप। अगला है, 27 फरवरी 2019 को सऊदी अरब ने अमेरिका में अपनी पहली महिला राजदूत किसे नियुक्त किया? तो राजकुमारी रीमा बिंत बंदार को। अगला है, 27 फरवरी 2019 को न्यूजीलैंड में भारत का अगला उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया? मुक्तेश कुमार परदेशी। अगला 28 फरवरी 2019 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग के बीच दूसरी शिखर वार्ता कहां पर संपन्न हुई? तो वियतनाम की राजधानी हनोई में। अगला 28 फरवरी 2019 को असम राज्य सरकार ने कर्मचारियों के माता पिता की रक्षा के लिए किस आयोग की शुरुआत की है? प्रणाम आयोग। अगला 28 फरवरी 2019 को लोगों के लिए विज्ञान और विकास के लिए लोक विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। अगला 28 फरवरी 2019 को नेशनल बुक ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? गोविंद प्रसाद शर्मा। चलिए दोस्तों, तो ये थी फरवरी 2019 के करंट अफेयर्स। हेलो दोस्तों, तो चलिए अब हम बात करते हैं करंट अफेयर्स मार्च 2019 के बारे में। 1 मार्च 2019 को पाकिस्तान ने भारतीय वायुसेना के किस बिग कमांडर को भारत को सौंप दिया है? तो यह बिग कमांडर अभिनंदन वर्धमान। अगली बात करते हैं, 1 मार्च 2019 को किस मंत्रालय द्वारा भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश जारी किया गया? केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। अगला 1 मार्च 2019 को IRCTC ने किस नाम से अपना डिजिटल पेमेंट गेटवे लॉन्च किया है? तो यह IRCTC iPay। अगला 1 मार्च 2019 को जारी इनक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2019 में भारत किस स्थान पर है? तो यह 47वें। अगला 1 मार्च 2019 को जारी दुनिया की 10 सबसे अमीर अरबपतियों की सूची में शामिल एकमात्र एशियाई कौन है? तो मुकेश अंबानी 8वें नंबर पर। अगला 1 से 2 मार्च 2019 को अबू धाबी में आयोजित इस्लामी सहयोग संगठन के पूर्ण सत्र में पहली बार विशिष्ट अतिथि के रूप में भारत शामिल देश कौन है? तो भारत है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इसमें हिस्सा लिया था। अगला है, 2 मार्च 2019 को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं क्रिस गेल, वेस्ट इंडीज के हैं। अगला है, 2 मार्च 2019 को वियतनाम में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो है पेडर कुमार वर्मा। अगला है, 2 मार्च से 2019 के मध्य किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति 2019 संचालित हुआ? तो यह भारत और बांग्लादेश के बीच। अगला है, 2 मार्च 2019 को बैंक ऑफ बड़ौदा के गैर कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो है हसमुख अधिया। अगला है, 3 मार्च 2019 को उड़ीसा का पहला लोकायुक्त किसे नियुक्त किया गया? तो है गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अजीत सिंह। अगला है, 3 मार्च 2019 को दुबई टेनिस चैंपियन जीतकर 100वां सिंगल्स जीतने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने? तो रोजर फेडर स्विट्जरलैंड के हैं। अगला है, 3 मार्च 2019 को किस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो क्रिस गेल 39 छक्के इंग्लैंड के खिलाफ। अगला है, 3 मार्च 2019 को कौन सा देश IEA बायो एनर्जी नामक अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा संगठन का 25वां सदस्य बना है? भारत। अगला है, 3 मार्च 2019 को राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? तो यह भगवान लाल साहिनी। अगला है, 3 मार्च 2019 को किस विषय के साथ पूरे विश्व में विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया? तो यह लाइव विलो वाटर फॉर पीपल एंड प्लानेट। अगला है, 4 मार्च 2019 को अमेरिकी इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स ने 2019 मिसाइल सिस्टम अवार्ड से किसे सम्मानित किया? DRDO के अध्यक्ष सतीश रेड्डी को। अगला है, 4 मार्च 2019 को रूस आधिकारिक रूप से किस देश के साथ परमाणु शक्ति संधि से अलग होने का फैसला किया है? तो अमेरिका। अगला है, 5 मार्च 2019 को अमेरिका ने किस देश के साथ
जीडीपी समन्वयी प्रणाली खत्म करने का फैसला किया है भारत। अगला है 5 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का शुभारंभ किया तो गुजरात के गांधीनगर में। अगला है 5 मार्च 2019 को भारत ने किस राज्य में बोल्ड क्विट एक सीमा सुरक्षा संगठन लागू किया है तो असम ने। अगला है 6 मार्च 2019 को स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2019 के तहत सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किस शहर ने को प्रदान किया गया इंदौर को। अगला है 6 मार्च 2019 को फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में मुकेश अंबानी रहे हैं 13वें स्थान पर। अगला है 6 मार्च 2019 को किस कंपनी द्वारा बोलू ऐप शुरू किया गया तो गूगल द्वारा। अगला है 6 मार्च 2019 को कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का सदस्य बना है तो मलेशिया 124वां। अगला है 6 मार्च 2019 को फोर्ब्स द्वारा पत्रिका द्वारा अब तक की सबसे कम उम्र की स्वनिर्मित अरबपति के रूप में किसे नामित किया गया काइली जेनर। अगला है 7 मार्च 2019 को कौन सा दिवस मनाया गया तो जन औषधि दिवस। अगला है 7 मार्च 2019 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की नई गुडविल एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया भारतीय अमेरिकी पदम लक्ष्मी को। अगला है 7 मार्च 2019 को प्रतिष्ठित पितृज्य पुरस्कार 2019 किसने जीता जापानी आर्किटेक्ट अराता एजो एसोजाकी ने। अगला है 8 मार्च 2019 को WHO ने किसको मुख्य वैज्ञानिक नियुक्त किया तो भारत के प्रसिद्ध चिकित्सा शोधकर्ता सौम्या स्वामीनाथन। अगला है 8 मार्च 2019 को कुम्मनम राजशेखरन ने किस राज्य का राज्यपाल पद से इस्तीफा दिया है तो मिजोरम। अगला है 8 मार्च 2019 को किस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया तो है थिंक इक्वल वर्ल्ड स्मार्ट इनोवेट फॉर चेंज अभियान था बैलेंस फॉर बेटर। अगला है 8 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत कितना कनेक्शन प्रदान किया गया 7 करोड़। अगला है 8 मार्च 2019 को सऊदी अरब में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया तो है ओसाफ सईद। अगला है 9 मार्च 2019 को केरल के किस उत्पाद को भौगोलिक संकेत के रूप में टैग दिया है तो मरयूर गुड़। अगला है 9 मार्च 2019 को भारत का नया वित्त सचिव किसे नियुक्त किया गया तो है सुभाष चंद्र गर्ग। अगला है 9 मार्च 2019 को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने किसको सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति के खिताब से नवाजा है तो जापानी महिला काने तनाका को। अगला है 9 मार्च 2019 को किस राज्य मंत्रिमंडल ने राज्य में पूर्ण शराबबंदी विधेयक को मंजूरी दी है मिजोरम ने। अगला है 9 मार्च 2019 को किस देश के वोइंग 737 विमान दुर्घटना में 157 यात्री एवं चालक दल के 8 सदस्यों की मौत हो गई तो यह इथियोपिया। अगला है 10 मार्च 2019 को फिनलैंड के हेलसिंकी में संपन्न 38वें जीवी मुक्केबाजी टूर्नामेंट में भारत की ओर से किसने स्वर्ण पदक जीता तो कविंदर सिंह बिष्ट 56 किलोग्राम भार वर्ग में। अगला है 10 मार्च 2019 को 17वीं लोकसभा के लिए आम चुनाव की तारीखों की घोषणा के तहत चुनाव अपने चरणों में होगा 7। अगला है 7 मार्च 2019 को किसने अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF। अगला है 10 मार्च 2019 को संपन्न ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 में पुरुष एवं महिला एकल खिताब किसने जीता है तो क्रमशः है केंटो मोमोटा और चेन यूसेफ है चीन की है और जापान की है केंटो मोटा। अगला है 11 मार्च 2019 को फिलिस्तीन के नया प्रधानमंत्री किसे नामित किया गया तो मोहम्मद सते। अगला है 11 मार्च 2019 को भारत ने किससे गाइडेड रॉकेट प्रणाली का परीक्षण किया है तो यह पिनाक गाइडेड रॉकेट प्रणाली। 12 मार्च 2019 को किस भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का निदेशक नियुक्त किया गया तो अजीत कुमार को मोहंती हैं। अगला है 12 मार्च 2019 को बारबी रोल मॉडल के रूप में किसे चुना गया तो भारतीय जिमनास्ट दीपा कर्माकर को। अगला है 12 मार्च 2019 को संयुक्त सेनाभ्यास अल नगाह थैड 2019 किन दो देशों के बीच हुआ ओमान और भारत के बीच। अगला है 13 मार्च 2019 को मिजोरम का पहला लोकायुक्त किसे नियुक्त किया गया तो सी लाल साहोता को।
अगला है, 13 मार्च 2019 को किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री अचल अमृत योजना की घोषणा की है, शुरुआत की है, तो उत्तराखंड। अगला है, 13 मार्च 2019 को वायलिंग में अंतरराष्ट्रीय गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2019 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता, भारत में। अगला है, 14 मार्च 2019 को बेटन ने किस विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक के सम्मान में ब्लेड हॉल सिक्का जारी किया, तो स्टीफन हॉकिंस। अगला है, 14 मार्च 2019 को किस विषय के साथ विश्व किडनी दिवस 2019 मनाया गया, तो यह किडनी हेल्थ फॉर एवरीवन एवरीवेयर। अगला है, 14 से 21 मार्च 2019 के बीच विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2019 का आयोजित कहाँ हो रहे हैं, यूएई में। अगला है, 14 मार्च 2019 को भारत बांग्लादेश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति 2019 कहाँ हुआ है, तो बांग्लादेश के तंगेल में। अगला है, 15 मार्च 2019 को एक्सिस बैंक का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो राकेश मखीजा। अगला है, 15 मार्च 2019 को तमिलनाडु के किस उत्पाद को भौगोलिक संकेतक टैग प्रदान किया गया, तो अपर्दित हल्दी को। अगला है, 5 मार्च 2019 को जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश बना है भारत। अगला है, 15 मार्च 2019 को वर्ष 2018 व्यास सम्मान हेतु किसे चयनित किया गया, तो लीलाधर जगूड़ी, कविता है जिसने लोग उतने प्रेम के लिए। अगला है, 15 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने IPL स्पोर्ट फिक्सिंग केस में किस क्रिकेटर पर लगाए गए आजीवन प्रतिबंध को हटा दिया, श्री संत। अगला है, 15 मार्च 2019 को विश्वसनीय स्मार्ट उत्पाद विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया, तो यह अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। अगला है, 15 मार्च 2019 को किस दक्षिणी अफ्रीकी क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेटर से संन्यास की घोषणा की है, जेपी डोमेनी। अगला है, 16 मार्च 2019 को की गई घोषणा के अनुसार अंडर 70 महिला फीफा विश्व कप 2020 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, भारत। अगला है, 16 मार्च 2019 को लेडीज यूरोपीय टूर जीतने वाली दूसरी भारतीय गोल पर कौन बन गई, तो दीक्षा डागर। अगला, 17 मार्च 2019 को जीवन बीमा निगम LIC का निदेशक किसे नियुक्त किया गया, तो यह MR सुकुमार। अगला है, 17 मार्च 2019 को मनोहर पर्रिकर का निधन हो गया, वे किस राज्य के मुख्यमंत्री थे, गोवा के। अगला है, 17 मार्च 2019 को वर्ष 2019 के नोबल शांति पुरस्कार हेतु किसे मनोनीत किया गया, ग्रेटा थुनबर्ग स्वीडन को। अगला, 18 मार्च 2019 को किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने इंडियन वेल्स मास्टर्स 2019 का खिताब जीता है, तो यह बेंका एंडिस्क्यू। अगला है, 19 मार्च 2019 को किन दो देशों के बीच संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति 6 आयोजित किया गया, भारत श्रीलंका के बीच। अगला है, 19 मार्च 2019 को मनोहर पर्रिकर के निधन के बाद किसे भाजपा नेता ने गोवा के मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई है, तो यह प्रमोद सावंत। अगला है, 19 मार्च 2019 को नूर सुल्तान नजर वायो ने किस देश के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया, तो यह कजाकिस्तान। अगला है, 19 मार्च 2019 को भारत के पहले लोकपाल कौन नियुक्त किए गए, तो यह न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र बोस। अगला है, इसे याद रखिएगा, भारत के पहले लोकपाल कौन नियुक्त किए, तो न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र बोस, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला है, 20 मार्च 2019 को विशेष ओलंपिक खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते, तो 85 स्वर्ण सहित कुल 368 पदक। अगला है, 20 मार्च 2019 को जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सबसे महंगे शहरों की सूची में प्रथम स्थान पर कौन रहा है, सिंगापुर। अगला है, 20 मार्च 2019 को जारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2019 में भारत को कौन सा स्थान मिला, 140वां, फिनलैंड। अगला है, 20 मार्च 2019 को कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया, तो नूर सुल्तान। ठीक है, अगला, 21 मार्च 2019 को किस प्रसिद्ध चित्रकार का निधन हो गया, तो है हाकू साह, याद रखिए हाकू साह। अगला, 21 मार्च 2019 को किस देश की सरकार ने देश भर में असॉल्ट राइफलों और सेमी ऑटोमेटिक बंदूकों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया, तो न्यूजीलैंड ने। अगला, 21 मार्च 2019 को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया, वर्ष 2019 में इस
दिवस का विषय रहा है वन और शिक्षा। अगला है 21 मार्च 2019 को फोन पे ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो आमिर खान को। अगला है 22 मार्च 2019 को किससे किसी को पीछे नहीं छोड़ना, विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया, विश्व जल दिवस। अगला है 22 मार्च 2019 को पहली ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत कौन बनी है, गौरी सावंत, गौरी सावंत। अगला है 22 मार्च 2019 को एवल पुरस्कार जीतने वाली पहली भारत महिला कौन बनी, तो ये करेन ओहलेन बेक। अगला है 22 मार्च 2019 को टैम लटन पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया, मार्सेलो ग्लीसर ब्राजील की। अगला 23 मार्च 2019 को देश भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया, तो है शहीद दिवस। अगला 23 मार्च 2019 को किस विषय के साथ विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया, तो है द सन द अर्थ एंड द वेदर। अगला 23 मार्च 2019 को घोषणा अनुसार भारतीय नौसेना के 24वें प्रमुख कौन होंगे, वाइस एडमिरल करमबीर सिंह। अगला 24 मार्च 2019 को इंडियन प्रीमियर लीग में 5000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए, तो सुरेश रैना। अगला है 24 मार्च 2019 में 64वें फिल्म फेयर अवार्ड 2019 के तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया, राजीव को। अगला है हमारा 24 मार्च 2019 को 64वें फिल्म फेयर अवार्ड 2019 के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तथा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया, तो यह रणवीर सिंह कपूर और आलिया भट्ट। रणवीर सिंह कपूर की संजू फिल्म के लिए, आलिया भट्ट की राजीव फिल्म। अगला 24 मार्च 2019 को यही समय है विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया, तो यह विश्व टीवी दिवस। अगला 25 मार्च 2019 को भारतीय वायुसेना ने किस हेलीकॉप्टर को अपने बेड़े में शामिल कर लिया, तो चिनूक। अगला 25 मार्च 2019 को भारतीय पुरुष बास्केटबॉल टीम के लिए कोच किसे नामित किया गया, तो यह वेस्लीन मैटिक। अगला 25 मार्च 2019 को अमेरिका द्वारा अब तक के सबसे तेज किस नाम से सुपर कंप्यूटर बनाने का निर्णय लिया, तो ओरोरा। अगला 25 मार्च 2019 को भारतीय नौसेना का अवैध प्रशिक्षण कार्यक्रम किस प्रशिक्षण सुविधा केंद्र में शुरू किया गया, INS शिवाजी में। अगला 26 मार्च 2019 को विश्व की पांचवी सबसे ऊंची किस चोटी पर जाने वाले पहली भारतीय सेना पर्वतारोहण अभियान को हरी झंडी दिखाई है, तो मकालू। अगला 26 मार्च 2019 को जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2019 में भारत को कौन सा स्थान मिला, 76वां, प्रथम पर स्वीडन। अगला 26 मार्च 2019 को किस देश द्वारा दुनिया का पहला वायरलेस इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग स्टेशन शुरू किया गया, नॉर्वे। अगला 26 मार्च 2019 को किस देश द्वारा हिंदू तीर्थयात्री हेतु शारदा पीठ कॉरिडोर खोलने की योजना को सहमति प्रदान की गई, पाकिस्तान। अगला 27 मार्च 2019 को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से जुड़े प्रतिष्ठित बोडले मेडल से सम्मानित से किसे सम्मानित किया गया, तो अमित सेन। अगला 27 मार्च 2019 को मोरक्को के साम्राज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो है शंभू एस कुमारन। अगला 27 मार्च 2019 को भारतीय नौसेना संचालन का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया, तो यह MA हम्पी होली। अगला 27 मार्च 2019 को कौन सा दिवस मनाया गया, तो यह विश्व रंगमंच दिवस। अगला 28 मार्च 2019 को किस देश ने भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपने देश का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ टोमी स्लाब से सम्मानित किया गया, क्रोएशिया। अगला 28 मार्च 2019 को मार्था फेरेल अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया, मनु गुलाटी को। अगला 28 मार्च 2019 को गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में किसे नामित किया गया, मनोहर आजगावंकर। अगला 28 मार्च 2019 को किस संसद ने सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पाद पर प्रतिबंध लगाया, यूरोपीय संसद। अगला 29 मार्च 2019 को प्रवासी भारतीय सम्मान से किसे सम्मानित किया गया, तो डॉक्टर राजेश जोशी। अगला 29 मार्च 2019 को SBI के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी सरकारी स्वामित्व वाली वित्तीय फर्म के में किसे नामित किया गया, PFC को, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। अगला 30 मार्च 2019 को मनाए गए अर्थ ओवर अभियान का थीम क्या रखा गया, जीने का तरीका बदलो।
अगला है 30 मार्च 2019 को विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कौन बन गया, तो हिमाचल प्रदेश का गांव तसीगंग। अगला है 30 मार्च 2019 को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों का खिताब किसने मिला है, सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे। अगला है 30 मार्च 2019 को विश्व किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया, राजस्थान। अगला 31 मार्च 2019 को वैनिन गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया, अभय ठाकुर। अगला 31 मार्च 2019 को पॉलिसी एक्स डॉट कॉम ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नामित किया, क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग को। अगला 31 मार्च 2019 को किस देश के गुफा खोजकर्ताओं ने दुनिया की सबसे लंबी गुफा मलहम की खोज की है, इजराइल ने। अगला 31 मार्च 2019 को इलेक्ट्रिक टैक्सी तो वायरलेस चार्जिंग सुविधा देने वाला विश्व का पहला शहर बना है, ओस्लो। अगला 31 मार्च 2019 को सुल्तान अजलान शाह कप 2019 का खिताब किसने जीता है, यह दक्षिण कोरिया ने भारत को हराकर। चलिए तो ये थी हमारी मार्च 2019 की करंट अफेयर। हेलो दोस्तों, तो चलिए अब हम देखते हैं करंट अफेयर्स अप्रैल 2019 के बारे में। 1 अप्रैल 2019 को स्लोवाकिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी, तो है जुजाना कैपुतोवा। अगला 1 अप्रैल 2019 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने किसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया, तो है मनु साहनी को। अगला 1 अप्रैल 2019 को किस पुरुष टेनिस खिलाड़ी ने मियामी ओपन 2019 का खिताब जीता, तो है रोजर फेडर, यह स्विट्जरलैंड के। अगला 1 अप्रैल 2019 को भारतीय उपग्रह एमीसैट को किस वाहन द्वारा लॉन्च किया गया, तो है पीएसएलवी C-45। अगला 2 अप्रैल 2019 को ICICI सिक्योरिटीज के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया विजय चंदोक को। अगला 2 अप्रैल 2019 को बहरीन ग्रैंड प्री 2019 का खिताब किसने जीता, लुइस हैमिल्टन ने। अगला 2 अप्रैल 2019 को सहायक तकनीक और सक्रिय भागीदारी विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया, विश्व ऑटिज जागरूकता दिवस। तो याद रखिए 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम रही है सहायक तकनीक सक्रिय भागीदारी। अगला 2 अप्रैल 2019 को भारत और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं के बीच तीसरा नौसैनिक युद्धाभ्यास ओसी इंडेक्स 2019 कहां हुआ, तो विशाखापट्टनम में। अगला 2 अप्रैल 2019 को किस राज्य के कंधमाल हल्दी को विशिष्ट भौगोलिक पहचान के लिए भौगोलिक संकेतक टैग प्रदान किया गया, उड़ीसा को। अगला 3 अप्रैल 2019 को किस देश ने व्यापारिक तौर पर 5G मोबाइल सेवा लॉन्च की है, दक्षिण कोरिया। अगला 4 अप्रैल 2019 को RBI की मौद्रिक नीति बैठक के अनुसार संशोधित रेपो दर है 0.25 मतलब 0.25% की कटौती की गई। याद रखिए यहाँ गलत छपा हुआ है 0.25%। अगला 4 अप्रैल 2019 को फीफा द्वारा जारी विश्व रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान रहा, 101वां, पहले पे बेल्जियम। अगला 4 अप्रैल 2019 को संयुक्त अरब अमीरात UAE के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जायद मेडल से किसे सम्मानित किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसे भी अच्छे से याद रख लीजिए क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, संयुक्त अरब अमीरात के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जायद मेडल से सम्मानित हुए मोदी, प्रधानमंत्री मोदी जी। अगली 4 अप्रैल 2019 को पूरे विश्व में कौन सा दिवस मनाया गया, यह अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस, खाद्यान्न जागरूकता दिवस। अगला 5 अप्रैल 2019 को मेडल तो साद संग्रहालय में जगह पाने वाले पहले भारतीय फिल्मकार कौन बने, करण जौहर। अगला 5 अप्रैल 2019 को विश्व बैंक का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया, डेविड मलपास अमेरिका के। अगला 5 अप्रैल 2019 को किस विषय के साथ राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया, तो यह इंडियन ओशियन एन ओशियन ऑफ अपॉर्चुनिटी। अगला 6 अप्रैल 2019 को भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो यह विक्रम केलोस्कर। अगला 6 अप्रैल 2019 को LIC के प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया, तो विपिन आनंद को। अगला 7 अप्रैल 2019 को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ परिषद के सदस्य चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने, तो फुल पटेल। अगला 7 अप्रैल 2019 को किस विषय के साथ दुनिया भर में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया, तो यह हेल्थ कवरेज, एवरीवन एवरीवेयर। तो 7 अप्रैल को
दुनिया भर में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगला है 7 अप्रैल 2019 को मलेशिया ओपन 2019 का खिताब किस प्रो बैडमिंटन खिलाड़ी ने जीता है, तो यह लिन डैन चीन के। अगला है 7 अप्रैल 2019 को बॉम्बे उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है, तो प्रदीप नंद राजो। अगला है 8 से 11 अप्रैल 2019 की मध्य द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास बोर्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास 2019 के दो देशों के बीच झांसी के बमीना मिलिट्री स्टेशन में हुआ है, तो भारत और सिंगापुर। अगला है 8 अप्रैल 2019 को अमेरिका ने किस आतंकी संगठन को घोषित किया है, तो ईरानी सेना रिवोल्यूशनरी गार्ड ऑफ कोर्स। अगला है 8 अप्रैल 2019 को भारतीय हॉकी टीम का मुख्य कोच ने किसे नियुक्त किया गया, तो यह ग्रेग रीड ऑस्ट्रेलिया के। अगला है 10 अप्रैल 2019 को चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी बायोग्राफी पीएम नरेंद्र मोदी की रिलीज पर रोक लगा दी, इस फिल्म के निर्देशक कौन है, उमंग कुमार, तो याद रखिए उमंग कुमार। अगला है 10 अप्रैल 2019 को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व होम्योपैथी दिवस। अगला है 10 अप्रैल 2019 को लगातार तीसरी बार विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया, तो विराट कोहली। अगला है 10 अप्रैल 2019 को विजडन वुमन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में किसे नाम चुना, स्मृति मंधाना। अगला है 10 अप्रैल 2019 को पॉल्यूशन चार्ज जोन को लागू करने वाला पहला शहर कौन बना, लंदन। अगला है 11 अप्रैल 2019 को किस तेलुगु कवि को प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2018 के लिए चुना गया, तो है के शिवारेड्डी, कविता संग्रह पक्का की ओटी मिलिते के लिए। अगला है 11 अप्रैल 2019 को भारत और यूके के बीच बीमा संबंधों को बढ़ावा देने के फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन से किसे सम्मानित किया गया, एलिजस जी बेदन को। अगला 11 अप्रैल 2019 को किस देश में 30 साल के शासन का अंत के साथ आपातकाल लागू हो गया, अफ्रीकी देश सूडान में। अगला है हमारा 11 अप्रैल 2019 को किस देश का पेरिसीट नामक विश्व का प्रथम निजी चंद्र अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर उतरने बाद उतरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया, इजराइल। अगला 12 अप्रैल 2019 को पूरे विश्व में कौन सा दिवस मनाया गया, तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस। अगला है 12 अप्रैल 2019 को रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से किसे सम्मानित किया गया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अगला है 12 मार्च 2019 को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ को। अगला है 12 अप्रैल 2019 को अल्जीरिया के नए राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया, तो है अब्देल कादर बेंसला। अगला है 13 अप्रैल 2019 को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित किस घटना को 100 वर्ष पूरे हो गए, तो जलियांवाला बाग नरसंहार। अगला है 13 अप्रैल 2019 को केंद्र ने रक्षा वित्त सचिव से किसे नियुक्त किया गया, गार्गी होल को। अगला है 14 अप्रैल 2019 को किसकी जयंती को राष्ट्रीय समरसता दिवस के रूप में मनाया गया, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 128वीं जयंती को। अगला है हमारा 14 अप्रैल 2019 को किस राज्य सरकार पर एक फिल्म पर प्रतिबंध लगाए जाने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, पश्चिम बंगाल। अगला है 15 अप्रैल 2019 को सर एडमंड हिलेरी फेलोशिप 2019 के लिए किसे चुना गया, पैरा एथलीट दीपा मलिक को। अगला है 15 अप्रैल 2019 को हैती के नए प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया, जीन मिशेल लेफिन। अगला है 15 अप्रैल 2019 को की गई घोषणा के अनुसार 24 से 30 अप्रैल के मध्य आयोजित होने वाले अबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला 2019 में गेस्ट ऑफ ऑनर कौन सा देश होगा, भारत। अगला 15 अप्रैल 2019 को देश में विकसित लंबी दूरी तक मार करने वाली किस सबसोनिक मिसाइल का चांदीपुर उड़ीसा स्थित परीक्षण स्थल से सफल परीक्षण किया गया, तो निर्भर, उसकी मारक क्षमता है 1000 किलोमीटर। अगला है 15 अप्रैल 2019 को पंजाब नेशनल बैंक ने किससे बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया, राजेश कुमार यदुवंशी। अगला है 15 अप्रैल 2019 को चाइनीज ग्रैंड प्री का खिताब किसने जीता है, ये लुइस हैमिल्टन ने।
अगला है 16 अप्रैल 2019 को भारतीय रिजर्व बैंक ने कितने रुपए मूल्य के नए नोट जारी करने की घोषणा की है, तो 50 रुपए के नोट। अगला है 16 अप्रैल 2019 को भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क कहाँ हुआ, शुरू हुआ है, मुंबई में। अगला है 16 अप्रैल 2019 को संपन्न सिंगापुर ओपन 2019 बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो ये क्रमशः केंटो मोमाता जापान की है, ताइपे ताई तिजू एंग ये चीन की है। अगला है 16 अप्रैल 2019 को फिलिस्तीन के पीएम के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो मोहम्मद इस्ते को। अगला है 16 अप्रैल 2019 को डच इंटरनेशनल बैडमिंटन खिताब किसने जीता है, तो सटलर हर्षिल दानी। अगला 17 अप्रैल 2019 को की गई घोषणा के अनुसार 2020 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा, तो सऊदी अरब। अगला 17 अप्रैल 2019 को दुनिया के सबसे बड़े किस विमान ने कैलिफोर्निया में पहली बार उड़ान भरी है, तो स्टेटो चौंच। अगला 17 अप्रैल 2019 को नेपाल ने अपना पहला उपग्रह नेपाली सेट फर्स्ट का लॉन्च किया है संयुक्त राज्य अमेरिका की वर्जीनिया से। अगला 17 अप्रैल 2019 को आरबीआई ने EMB जनादेश को लागू करने वाला भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन बन गया, केनरा बैंक। अगला 17 अप्रैल 2019 को स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की सद्भावना दूत किसे नियुक्त किया गया, तो मैथाली राजकूट। अगला 17 अप्रैल 2019 को कहां पर ऐतिहासिक मुजीब नगर दिवस मनाया गया, तो बांग्लादेश में। अगला 18 अप्रैल 2019 को अंतर्राष्ट्रीय संस्था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2019 में भारत को कौन सा स्थान मिल दिया गया, 140वां। अगला 18 अप्रैल 2019 को टाइम मैगजीन द्वारा जारी साल 2019 के शीर्ष 100 सबसे प्रतिभाशाली लोगों की सूची में किन 3 भारतीयों को शामिल किया गया, तो ये मुकेश अंबानी, अरुंधति काटजू और मेनका गुरुस्वामी। अगला है हमारा 18 अप्रैल 2019 को रूरल लैंडस्केप थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया, ये विश्व विरासत दिवस। अगला है 18 अप्रैल 2019 को ड्यूस बैंक ने रॉन नीत गिल के स्थान पर किसको भारत का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया, तो कौशिक सपरिया। अगला 18 अप्रैल 2019 को श्रीलंका द्वारा लॉन्च पहले उपग्रह का नाम क्या रखा गया, रावण फर्स्ट। अगला है 18 अप्रैल 2019 को पहली भारतीय महिला FRS कौन बनी है, गगनद्वीप कांग। अगला है 19 अप्रैल 2019 को सबसे लंबे समय तक स्पेस फ्लाइट का रिकॉर्ड बनाने वाली महिला कौन बनी है, क्रिस्टीना कोच। अगला है 19 अप्रैल 2019 को पुरुषों की 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल श्रेणी की रैंकिंग में विश्व में शीर्ष स्थान किसने हासिल की कर लिया, तो बजरंग पूनिया ने। अगला है 29 अप्रैल 2019 को रॉयल सोसाइटी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी, गगनदीप कंग, भारतीय मूल की विज्ञानी। अगला है 20 अप्रैल 2019 को की गई घोषणा के अनुसार कौन से 2 देश मई में अपने सबसे बड़े नौसेना अभ्यास वरुण का आयोजन करेंगे, भारत और फ्रांस। तो याद रखिए भारत और फ्रांस के बीच वरुण अभ्यास नौसैनिक अभ्यास होता है। अगला है 20 अप्रैल 2019 को नासा की किस पहली महिला एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट का निधन हो गया, जेरी कॉब। अगला है 20 अप्रैल 2019 को इंग्लैंड के किस बल्लेबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल से संन्यास ले लिया, तो एलेक्स हेल्स। अगला है 20 अप्रैल 2019 को दक्षिण अफ्रीका में भारत के नए उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया, एन जयदीप सरकार। अगला है 21 अप्रैल 2019 को संतोष ट्रॉफी 2019 का खिताब किसने जीता है, सर्विसेस ने पंजाब को हराकर। अगला है 21 अप्रैल 2019 को कौन सा दिवस मनाया जाता है, यह विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस, तो 21 अप्रैल को विश्व नवाचार बात करते हैं। 21 अप्रैल 2019 को 1,00,000 करोड़ रुपए का वार्षिक राजस्व पार करने वाली पहली भारतीय रिटेल कंपनी बनी है, रिलायंस रिटेल। अगला है हमारा 21 अप्रैल 2019 को कहां पर ईस्टर के दिन दो हुए आत्मघाती हमलों और सिलसिलेवार बम धमाकों में करीब 253 लोगों की मौत हो गई, तो श्रीलंका। अगला है हमारा 22 अप्रैल 2019 को पंडित गोविंद बल्लभ पंत पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, सुनील कुमार गौतम को, इनकी पुस्तक है संविधान काव्य। अगला है 22 अप्रैल 2019 को ट्विटर ने भारत के MD के रूप में किसे नियुक्त किया, मनीष महेश्वरी को। अगला है हमारा 22 अप्रैल 2019 को स्टार्टअप पब्लिक
द्वारा जारी 2019 की स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में भारत किस स्थान पर रहा, तो 17वें। अगला है 22 अप्रैल 2019 को किस विषय के साथ दुनिया भर में पृथ्वी दिवस मनाया गया, तो प्रोटेक्ट द स्पीसीज। याद रखिए 20 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगला है 30 अप्रैल 2019 को एटीपी मास्टर्स 1000 खिताब जीतने वाले पहले इतालवी कौन बने, फिवियो फोगनी। अगला है 23 अप्रैल 2019 को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया गया, विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस। अगला है 23 अप्रैल 2019 को किस देश ने भारत के साथ अपने राजनयिक संबंधों के 70 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में रामायण की थीम पर विशेष मायक टिकट जारी किया है, तो इंडोनेशिया। अगला है 23 अप्रैल 2019 को जारी इंडेक्स ऑफ कैंसर प्रिपेयर्डनेस में भारत के स्थान पर आया, 19वें। अगला है 24 से 30 अप्रैल 2019 तक प्रोटेक्टेड टुगेदर वैक्सीन वर्ग विषय के साथ कौन सा सप्ताह मनाया गया, विश्व टीकाकरण दिवस। अगला है 24 अप्रैल 2019 को किसने एसोचैम के महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया, तो उदय कुमार वर्मा ने। अगला है 24 अप्रैल 2019 को संपन्न 23वें एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत का कौन सा स्थान रहा, 4था, पहले स्थान पर बहरीन। अगला है 23 अप्रैल 2019 को कतर के दोहा में संपन्न 23वें एशियाई एथलेट चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पद जीते, तो 17, जिसमें 3 स्वर्ण 7 रजत 7 कांस्य। अगला है 24 अप्रैल 2019 को 77वें मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो यह मधुकर भंडारकर और सलीम खान तथा हेलेन। अगला है 25 अप्रैल 2019 को किस थीम के साथ विश्व मलेरिया दिवस पूरे विश्व में मनाया गया, तो जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। अगला है 25 अप्रैल 2019 को राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया, डॉक्टर वेनी एंटनी। अगला है 25 अप्रैल 2019 को किस बैंक ने भारत का पहला ग्रीन कार लोन शुरू किया, भारतीय स्टेट बैंक ने। अगला है 26 अप्रैल 2019 को सेशल्स में भारत के उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया, दलवीर सिंह सोहाग। अगला है 26 अप्रैल 2019 को 71वां वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम हीरो पुरस्कार किसे ने जीता, तो पाकिस्तानी पत्रकार सिरिल अलमीदान। अगला है 26 अप्रैल 2019 को टैगोर साहित्य पुरस्कार 2019 किसने जीता, राणा दसगुप्ता उपन्यास सोलो के लिए। अगला है 26 अप्रैल 2019 को $1 ट्रिलियन मूल्यांकन वाली दुनिया की तीसरी कंपनी कौन बनी, तो माइक्रोसॉफ्ट। अगला है 26 अप्रैल 2019 को भारत ने बैंकॉक में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते, 13, 2 स्वर्ण 4 रजत 7 कांस्य। अगला है 26 अप्रैल 2019 को रिच फोर गोल्ड आईपी एंड स्पोर्ट्स विषय के साथ दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया गया, बौद्धिक संपदा दिवस। अगला है 26 अप्रैल 2019 को विश्व का पहला मलेरिया का टीका किस देश ने लॉन्च किया, अफ्रीकी देश मलावी ने। अगला है 27 अप्रैल 2019 को पुरुष वनडे में अपाइंग करने वाली पहली महिला कौन बनी, तो क्लियर ओलोसाक ऑस्ट्रेलिया की। अगला है 27 अप्रैल 2019 को एशियाई स्नर टूर खिताब किसने जीता, पंकज आडवाणी ने। ईरान के एहसान हैदरी ने निज हाथ को हरा कर। अगला है 27 अप्रैल 2019 को प्लास्टिक मुक्त उड़ान भरने वाली पहली प्रमुख एयरलाइन बनी है, तो यूएई की इतिहाद एयरलाइन। 24 अप्रैल 2019 को आईपीएल में सबसे ज्यादा वार मैन ऑफ द मैच जीतने का रिकॉर्ड किसने बनाया, रोहित शर्मा ने 17 बार। अगला है 28 अप्रैल 2019 को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया, कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस। अगला है 28 अप्रैल 2019 को बीसीसीआई ने अर्जुन पुरस्कार के लिए किन क्रिकेटरों की सिफारिश की है, तो मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा और पूनम यादव। अगला है 28 अप्रैल 2019 को किस भारतीय ने चीन के बीजिंग में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, तो यह अभिषेक वर्मा। अगला है 29 अप्रैल 2019 को विश्व स्तर पर कौन सा दिवस मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। अगला है 29 अप्रैल 2019 को स्पेनिश फुटबॉल लीग का खिताब किसने जीता है, बार्सिलोना ने लेवांते को हराकर। अगला है 29 अप्रैल 2019 को किस देश की सरकार ने बुर्का जैसे चेहरे ढकने वाले कपड़ों पर प्रतिबंध लगा दिया, श्रीलंका ने। अगला है 29 अप्रैल 2019 को की गई घोषणा के अनुसार भारत ने किस वर्ष तक मलेरिया को जड़ से खत्म करने का लक्ष्य रखा, 2030 तक। अगला है 30 अप्रैल 2019 को किस अंतर्राष्ट्रीय समूह ने फिलिस्तीन प्राधिकरण
को 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की दीमा देने का वादा किया है अरब संघ। अगला है 30 अप्रैल 2019 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की आधिकारिक घोषणा के अनुसार किन दो देशों को एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का दर्जा मिला है, अमेरिका और ओमान को। चलिए तो ये थी अप्रैल की पूरी करंट अफेयर्स। हेलो दोस्त, तो चलिए इसमें बात करते हैं हम लोग करंट अफेयर्स मई 2019 के बारे में। 1 मई 2019 को भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया, तो है सर्बिया के डेगन मिहाई लोविच को। अगला है 1 मई 2019 को एमसीसी मेरिल वॉन क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष पद पर संभालने वाले पहले गैर ब्रिटिश कौन बने, कुमार संगकारा श्रीलंका के। अगला है 1 मई 2019 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रतिबंध समिति द्वारा किसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया गया, मसूद अजहर को। अगला 1 मई 2019 को कौन सा दिवस मनाया गया, तो यह अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, मजदूर बोल लो चाहे मजबूर बोल लो, 1 मई 2019 को याद रखिए अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता। अगला 2 मई 2019 को खेले गए अली कुश्ती टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक किसने जीता, तो है बजरंग पूनिया। अगला 2 मई 2019 को वायुसेना उप प्रमुख के रूप में किसने कारवास ग्रहण किया है, तो एयर मार्शल राकेश सिंह भदौरिया। अगला 3 मई 2019 को किस विषय के साथ विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, तो है मीडिया फॉर डेमोक्रेसी, जर्नलिज्म एंड इलेक्शन इन टाइम्स ऑफ डिसाइन फॉर्मेशन। अगला 3 मई 2019 को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे सम्मानित किया गया, तो ये है एम एस किरण कुमार। अगला 6 मई 2019 को भारतीय नौसेना ने स्कॉर्पिन क्लास की चौथी किस पनडुब्बी को सेना में शामिल किया, तो आईएनएस बेला। अगला 6 मई 2019 को किस देश के 10 डॉलर के नोट को बैंक ऑफ द ईयर 2018 के लिए चुना गया, तो कनाडा। अगला है हमारा 6 मई 2019 को एशियन बेस चैंपियनशिप का किताब किसने जीता, तो है जोसना चिनप्पा और सौरभ घोषाल। अगला 6 मई 2019 को जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 में सैन्य खर्च करने वाले सबसे बड़ा देश कौन है, अमेरिका। अगला 7 मई 2019 को किस विषय के साथ विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया, स्टॉप फॉर अस्थमा। अगला 8 मई 2019 को एन आर माधव ने मेनन का निधन हो गया, वे किस रूप में विख्यात थे, भारत की आधुनिक विधि शिक्षा के जनक। अगला 8 मई 2019 को अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के लिए किसी ने पुनः निर्वाचित किया गया, भारत के जगदीश पवाड़िया को। अगला 8 मई 2019 को हैज लव विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया, विश्व रेड क्रॉस दिवस। अगला 9 मई 2019 को जलवायु आपातकाल घोषित करने वाला दुनिया का पहला देश बना है, आयरलैंड, पहला ब्रिटेन, याद रखिए। यहाँ याद रखिए आयरलैंड पहला देश बना है जलवायु आपातकाल घोषित करने। अगला 8 मई 2019 को अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश जारी कर किन धातुओं पर प्रतिबंध लगाए जाने की घोषणा की है, तो ईरानी धातुओं पर। अगला 9 मई 2019 को रिलायंस इंडस्ट्रीज ने खिलौना बनाने वाली किस कंपनी ब्रिटिश कंपनी का अधिग्रहण किया है, तो हेलीज। अगला 9 मई 2019 को फेक न्यूज पर काबू पाने के लिए किस देश की सरकार ने एक कानून पारित किया है, तो सिंगापुर सरकार ने। अगला 10 मई 2019 को कौन सा प्रथम अपाचे हेलीकॉप्टर औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना को सौंपा गया, तो बोइंग AH-64E। अगला 10 मई 2019 को कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है, तो यह न्यायमूर्ति अवध श्रीनिवास। अगला 10 मई 2019 तक गोवा में अरब सागर तट पर किन दो देशों के बीच संयुक्त नौसेना अभ्यास वरुण संपन्न हुआ, तो भारत और फ्रांस, याद रखिए भारत और फ्रांस के बीच वरुण नौभ्यास होता है। अगला 11 मई 2019 को कौन सा दिवस मनाया गया, तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। अगला 11 मई 2019 को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस किस विषय के साथ मनाया गया, तो है प्रोटेक्ट बर्ड बी द सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो यहाँ याद रखिए 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है और 11 मई को ही विश्व प्रवासी पक्षी दिवस भी मनाया जाता है।
अगला है 12 मई 2019 को किस प्रसिद्ध गायक का निधन हो गया, तो हीरा लाल यादव। अगला है 12 मई 2019 को इंडियन प्रीमियर लीग 2019 के 12वें संस्करण का खिताब किसने जीता है, तो मुंबई इंडियंस ने चेन्नई सुपर किंग को हराकर। अगला है 12 मई 2019 को संयुक्त राष्ट्र महासभा का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो यह प्रोफेसर तिजानी मोहम्मद बंदे नाइजीरिया के हैं। अगला है 13 मई 2019 को अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से किसे सम्मानित किया गया, टाइगर वुड्स को। अगला है 13 मई 2019 को महाराष्ट्र के नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया, तो अजोय मेहता को। अगला है 13 मई 2019 को निर्भया बलात्कार मामले में जांच करने वाली किस IPS अधिकारी को मैक कैन इंस्टीट्यूट अवार्ड 2019 मिला है, तो छाया शर्मा। अगला है 13 मई 2019 को विश्व की सबसे लोकप्रिय फुटबॉल लीग इंग्लिश प्रीमियर लीग किसने जीता है, तो मैनचेस्टर सिटी ने लिवरपूल को हरा कर। अगला है 13 मई 2019 को प्रसिद्ध उत्सव जेसुपुरम कहाँ आरंभ हुआ, केरल में। अगला है 14 मई 2019 को मैड्रिड ओपन टेनिस में पुरुष एवं महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता, क्रमशः नोवाक जोकोविच योंकेकी बर्टेंस। अगला है 14 मई 2019 को फार्मूला वन स्पेनिश ग्रांड प्री का खिताब किसने जीता, लुइस हैमिल्टन ने वाल्टोरी ओटास को हराकर। अगला है 14 मई 2019 को दिल्ली हाईकोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया, तो है न्यायमूर्ति DN पटेल। अगला है 14 मई 2019 को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का नया न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया, न्यायमूर्ति अखिल कुरैशी को, याद रखिए न्यायमूर्ति अखिल कुरैशी। अगला है 14 मई 2019 को विकासशील देशों की WTO मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ संपन्न हुई, नई दिल्ली में। अगला है 14 मई 2019 को ICC मैच रेफरी पैनल में शामिल होने वाली पहली महिला कौन बनी, तो GS लक्ष्मी। अगला है 15 मई 2019 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने उड़ीसा के चांदीपुर में किस डॉन का सफल परीक्षण किया, तो अभ्यास डॉन। अगला है 15 मई 2019 को नाबार्ड ने भारत ग्रामीण स्टार्टअप इकाइयों में कितने करोड़ निवेश की घोषणा की है, तो 700 करोड़। अगला है 15 मई 2019 को संपूर्ण विश्व में कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो यह अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, याद रखिए 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। अगला है 15 मई 2019 को मर्चेंट सर्विस और UPI पेमेंट ऐप भारत पे का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, सलमान खान को। अगला है 15 मई 2019 को भारतीय फुटबॉल टीम का नया कोच किसे नियुक्त किया गया, तो यह इगोर स्टीमैक। अगला है 16 से 12 मई 2019 के बीच नौसेना अभ्यास सिम्बैक्स 2019 किन दो देशों के बीच हुआ, तो भारत और सिंगापुर, तो याद रखिए सिम्बैक्स भारत और सिंगापुर के बीच नौसेना अभ्यास होता है। अगला है 16 मई 2019 को कैरिबियन प्रीमियर लीग खिलाड़ी ट्रम्प में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने ईरोन पठान। अगला है 16 मई 2019 को संयुक्त राष्ट्र प्रतिष्ठित सासाकावा पुरस्कार 2019 किसे दिया गया, डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा। अगला है 16 मई 2019 को बेटेन ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से किसे सम्मानित किया, टेनिस खिलाड़ी एंडे मरे। अगला है 17 मई 2019 को समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला पहला एशियाई देश बना है, ताइवान। अगला है 17 मई 2019 को किस विषय के साथ विश्व दूर संचार और सूचना समाज मनाया गया, तो बीजिंग द स्टैंडर्डलाइजेशन गैप। अगला 19 मई 2019 को संपन्न इटालियन ओपन टेनिस 2019 का पुरुष महिला एकल का खिताब किसने जीता, तो एक क्रमशः राफेल नडाल स्पेन के, कैरोलिना प्लेस्कोवा चेक गणराज्य के। अगला है 20 मई 2019 को यूक्रेन के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की। अगला 20 मई 2019 को भारत पाकिस्तान का नया उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया, भारत में पाकिस्तान का, तो यह मुइन उल हक। अगला है 20 मई 2019 को संपूर्ण विश्व में कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो यह विश्व मधुमक्खी दिवस, तो याद रखिए 20 मई को मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है विश्व। अगला है 20 मई 2019 को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू किस नस्ल की गाय को संरक्षित करने का आह्वान किया है, ओंगोला नस्ल। अगला 21 मई 2019 को किसे जापान का ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार दिया गया, तो श्याम शरण।
अगला है 22 मई 2019 को संयुक्त राष्ट्र के विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किन देशों के को मलेरिया मुक्त घोषित किया, तो ये है अल्जीरिया और अर्जेंटीना। अगला है 22 मई 2019 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले HIV संक्रमित पर्वतरोही कौन बने, गोपाल श्रेष्ठ नेपाल के। अगला है 22 मई 2019 को मकालू पर्वत पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला बनी पेंका मोहिते। अगला है 22 मई 2019 को अवर बायोडाइवर्सिटी और आउटपुट और अवर हेल्थ विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अगला है 22 मई 2019 को 2019 के लिए प्रतिष्ठित मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया, ओमान की लेखिका जोका अलहारती, पुस्तक है इनकी सेलेस्टियल बॉडीज के लिए। अगला है 23 मई 2019 को भारतीय वायुसेना की पहली ऑपरेशनल फाइटर पायलट कौन बनी है, भावना कंठ। अगला है 23 मई 2019 को घोषित लोकसभा चुनाव परिणाम में भारतीय जनता पार्टी ने कितनी सीटें हासिल की, 303, कांग्रेस ने 52, DMK ने 23। अगला है 23 मई 2019 को पाकिस्तान द्वारा साहिन-2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया, इस मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है, 1500 किलोमीटर। अगला है 23 से 26 मई 2019 के बीच संघाई सहयोग संगठन मॉस मीडिया समिट कहाँ हुई है, बिस्केक किर्गिस्तान में। अगला है 24 मई 2019 को भारतीय सरकार ने किस आतंकी संगठन घोषित कर प्रतिबंध लगाया, जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश GMB। अगला है 24 मई 2019 को संयुक्त राष्ट्र ने डेग हेमर्स गोल्ड पदक से किसे सम्मानित किया, भारतीय पुलिस अफसर जितेंद्र कुमार को मरणोपरांत। अगला है 25 मई 2019 को किसने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति पद की शपथ ली है, तो सिरिल रामपोसा। अगला है 26 मई 2019 को किस देश में 11वीं बार सुधीर रमन कप खिताब जीता है, चीन ने जापान को हराकर। अगला है 27 मई 2019 को किसने सिक्किम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, तो ये प्रेम सिंह तमांग। अगला है 27 मई 2019 को जारी किड्स राइट्स इंडेक्स 2019 में 181 देशों में भारत को कौन सा स्थान आया, 117वां, पहला है आइसलैंड। अगला है 27 मई 2019 को किस मशहूर स्टंट और एक्शन कोरियोग्राफर का निधन हो गया, तो अभिनेता अजय देवगन के पिता वीरू देवगन का। अगला है 28 मई 2019 को किसने जर्मनी के म्यूनिक में खेले जा रहे ISSF राइफल पिस्टल विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में पहला स्थान हासिल किया, भारत के अपूर्वी चंदेला। अगला है 28 मई 2019 को डायलन थॉमस प्राइज 2019 से किसे सम्मानित किया गया, गाई गुनारत्ने पेटिस की श्रीलंकाई। अगला है 29 मई 2019 को ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री पद की शपथ किसने ली है, स्कॉट मॉरिसन। अगला है 29 मई 2019 को दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के कमांडर किसे नियुक्त किया गया, सेलिस तिनेकर। अगला है 29 मई 2019 को किस देश ने अपना 10वां गणतंत्र दिवस मनाया, नेपाल। अगला है 29 मई 2019 को कौन सा दिवस मनाया गया, तो अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस। अगला है 29 मई 2019 को $1,00,000 की लाइन डॉट्स प्राइज 2019 का विजेता किसे घोषित किया, भारतीय लेखिका एनी जैदी। अगला है 29 मई 2019 को भारतीय रिजर्व बैंक RTGS के जरिए लेन देन की समय सीमा को 4:30 शाम से बढ़ाकर कर दिया 6 शाम तक, 1 जून से प्रभावी होगा ये। अगला है 29 मई 2019 को लगातार 5वीं बार उड़ीसा के मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली है, नवीन पटनायक। अगला है 29 मई 2019 को अरुणाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है, पेमा खांडू। अगला है 29 मई 2019 को यूरोपा लीग 2019 किसने जीता है, चेल्सी ने आर्सेनल को 4-1 से हराकर। अगला है 30 मई 2019 को भारत के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली है, नरेंद्र मोदी। अगला है 30 मई 2019 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली है, जगनमोहन रेड्डी। अगला है 30 मई 2019 को बारवा ICC विश्व कप 2019 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, इंग्लैंड। अगला है 30 मई 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शपथ ग्रहण समारोह में किस संगठन के सदस्यों ने भाग लिया है, बिम्स्टेक।
अगला है 30 मई 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में बिम्स्टेक के अलावा किस संगठन के प्रमुख ने भाग लिया था? शंघाई सहयोग संगठन SCO। अगला 30 मई 2019 को जारी विश्व वित्तीय स्पर्धा रैंकिंग में भारत का स्थान रहा 43वां, 2018 में 44वें स्थान पर था। अगला 30 मई 2019 को किस देश की सरकार द्वारा विश्व का पहला वेली विंग बजट पेश किया गया? न्यूजीलैंड सरकार। अगला 31 मई 2019 को किस विषय के साथ विश्व तम्बाकू निषेध दिवस मनाया गया? टोबैको एंड लंग हेल्थ। तो याद रखिए 31 मई को विश्व तम्बाकू दिवस मनाया जाता है। अगला 31 मई 2019 को देश की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी? निर्मला सीतारमण। अगला 31 मई 2019 को नौसेना के 24वें प्रमुख के रूप में पदभार किसने संभाला? तो 22 एडमिरल करमबीर सिंह। अगला 31 मई 2019 को की गई घोषणा अनुसार भारत के पहले ब्लॉक चेन की स्थापना किस स्थान पर की जाएगी? हैदराबाद। चलिए दोस्तों, तो ये थी हमारी मई करंट अफेयर्स 2019 की। चलिए तो अब हम बात करते हैं अब करंट अफेयर्स जून 2019 के बारे में। 1 जून 2019 को नवनिर्वाचित लोकसभा सांसदों की पहली बैठक में कांग्रेस संसदीय दल का नेता किसे चुना गया? सोनिया गांधी को। अगला 1 जून 2019 को मोदी कैबिनेट की पहली बैठक में किस योजना का विस्तार किया गया? प्रधानमंत्री किसान योजना। अगला 1 जून 2019 को नायब बुकेले ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? मध्य अमेरिकी देश अल सेल्वाडोर। अगला 1 जून 2019 को किस राज्य सरकार ने फीस माफी योजना के तहत वित्तक आय सीमा को बढ़ाया? असम सरकार ने। अगला 1 जून 2019 को संयुक्त राष्ट्र का उपकारी कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया? भारतीय मूल की अनीता भाटिया को। अगला 1 जून 2019 को किस विषय के साथ विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया? तो डेरिंग मिल्क टू डे एवरी डे। अगला 2 जून 2018 को किसने फुटबॉल में चैंपियनशिप लीग ट्रॉफी जीता है? लिवरपूल ने। टोटेन हम हॉट स्पीकर को हराकर इस पर को हराकर। अगला 2 जून 2018 को फोर्ब्स मैगजीन द्वारा दुनिया का पहला अरबपति रेपर किसे नामित किया गया? JZ को। अगला 2 जून 2019 को G1 स्मॉल फाइनेंस बैंक का निदेशक किसे नियुक्त किया गया? सचिन बंसल को। अगला 2 जून 2019 को किस राज्य सरकार ने हाइजीन रेटिंग के बिना ऑनलाइन फूड सप्लाई पर रोक लगाई है? पंजाब सरकार। अगला 2 जून 2019 को किस राज्य ने अपना गठन दिवस मनाया? तेलंगाना। अगला 3 जून 2019 को RBI ने एक्सिस बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की मंजूरी दी? राकेश मखीजा। अगला 3 जून 2019 को की गई घोषणा के अनुसार 10वां राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव 2020 को कहां आयोजित किया होगा? तो त्रिपुरा के अगरतला में। अगला 3 जून 2019 को भारतीय वायुसेना का कौन सा विमान अरुणाचल प्रदेश में चीन सीमा के पास स्थित मिचौका एयरबेस से लापता हो गया था? AN-32। अगला 3 जून 2019 को किसने इंडियन ऑयल को पछाड़ कर देश की सबसे अधिक लाभकारी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का खिताब हासिल कर लिया? तो ONGC। अगला 3 जून 2019 को किस राज्य सरकार ने राज्य की आशा कर्मियों के वेतन को 3,000 रुपये से मासिक से बढ़ाकर 10,000 रुपये करने की घोषणा की है? तो आंध्र प्रदेश सरकार। अगला 3 जून 2019 को छत्तीसगढ़ के नए एडवोकेट जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सतीश चंद्र वर्मा। अगला 3 जून 2019 को जारी वैश्विक लैंगिकता समानता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? 95वें, पहले पर डेनमार्क। अगला 3 जून 2019 को विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2019-20 के लिए भारत की विकास दर कितना प्रतिशत पर बने रहने का पूर्वानुमान दिया है? 5%। अगला 3 जून 2019 को दोबारा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? अजीत डोभाल को। अगला 4 जून 2019 को की गई घोषणा के अनुसार दूसरा वैश्विक विकलांगता शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में। अगला 4 जून 2019 को किस दिग्गज हास्य और थिएटर अभिनेता का निधन हो गया? दिनयार कॉन्ट्रैक्टर। अगला 4 जून 2019 को ITF पुरुष फीचर टेनिस खिताब किसने जीता? सिद्धार्थ रावत ने जापान के रियो नोगेची को हराकर।
अगला है 4 जून 2019 को WHO के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसने चुना गया, राजीव महर्षि। अगला है 4 जून 2019 को किस अभिनेत्री का निधन हो गया, तो यह रूमा गुआ ठाकुरता। अगला है 4 जून 2019 को मैक्सिको के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ जे ईगल से किसे सम्मानित किया गया, पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल। अगला 4 जून 2019 को मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल में ओबीसी के लिए आरक्षण को कितना प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रस्ताव पारित किया गया, 27%। अगला 4 जून 2019 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दिवस के रूप में मनाया गया, बाल यातना और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अगला 5 जून 2019 को विश्व बैंक ने तमिलनाडु में स्वास्थ्य परियोजनाओं के लिए कितने रुपए के ऋण समझौतों पर हस्ताक्षर किए, $287 मिलियन। अगला है 5 जून 2019 को जेसी डेनियल सम्मान से किसे सम्मानित किया गया, मलयालम अभिनेत्री शीला जीसी को, जेसी। अगला है 5 जून 2019 को दुनिया भर में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, वर्ष 2019 की थीम थी वायु प्रदूषण। अगला है 5 जून 2019 को भारत मौसम विभाग IMD का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो है मृत्युंजय महापात्र। अगला है 5 जून 2019 को किस देश ने पहली आर्कटिक ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, रूस। अगला 5 जून 2019 को संयुक्त राज्य में प्रतिष्ठित ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2019 के लिए चुना गया, गूगल के CEO सुंदर पिचाई और नैसडेक अध्यक्ष एडेना फ्रीडमैन। अगला 6 जून 2019 को भारत के किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का उड़ीसा के चांदीपुर से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, ब्रह्मोस। अगला 6 जून 2019 को लेमन जोहानसन का निधन हो गया, वे किस रूप में विख्यात थे, चैंपियन लीग फुटबॉल निर्माता। अगला 6 जून 2019 को सरकार ने आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कितने कैबिनेट कमेटियों का गठन किया है, 8। अगला 7 जून 2019 को 6 बार ग्रैमी विजेता रहे किस संगीतकार का निधन हो गया, मेलकम जॉन रेमनेक। अगला 7 जून 2019 को मुंबई संस्थान प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ टॉम द्वारा संकलित ट्रैफिक इंडेक्स 2018 में ट्रैफिक कंजेशन में पहले स्थान पर कौन सा शहर रहा, तो मुंबई। दिल्ली रहा चौथे स्थान पर। अगला 7 जून 2019 को किस विषय के साथ विश्व खाद्य दिवस सुरक्षा दिवस मनाया गया, तो फूड सेफ्टी एवरीवन बिजनेस। तो याद रखिए 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। अगला 7 जून 2019 को 2019 फीफा महिला विश्व कप का आरंभ हुआ है फ्रांस में। अगला 7 जून 2019 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया, साकेत कुमार को। अगला 8 जून 2019 को दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है, तो यह न्यायमूर्ति धीरू भाई नारन भाई पटेल। अगला 8 जून 2019 को विश्व भर में विश्व महासागर दिवस मनाया गया, विश्व महासागर दिवस की थीम थी टूगेदर कैन प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर आवर ओशियन। याद रखिए 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। अगला 9 जून 2019 को मालदीव का सबसे बड़ा सम्मान निशान इजुद्दीन से किसे सम्मानित किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो याद रखिए ये भी कि मालदीव का सबसे बड़ा सम्मान निशान इजुद्दीन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नवाजा गया, सम्मानित किया गया। ठीक, 10 जून 2019 को किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से क्रिकेट को अलविदा कह दिया, युवराज सिंह। अगला 10 जून 2019 को बॉलीवुड के किस प्रसिद्ध अभिनेता का निधन हो गया, तो है ग्रीस कनार्ड। अगला 10 जून 2019 को थाईलैंड का नया प्रधानमंत्री किसे चुना गया, तो पीयूष चान ओचा को। अगला 10 जून 2019 को कनाडाई ग्रैंड प्री का खिताब किसने जीता है, लुइस हैमिल्टन ने। अगला 10 जून 2019 को फ्रेंच ओपन 2019 में पुरुष तथा महिला एकल खिताब किसने जीता है, वह क्रमशः राफेल नडाल और एसले वार्टी। अगला 11 जून 2019 को कैबिनेट की हुई बैठक में किस राज्य सरकार ने माँ बाप की सेवा नहीं करने वाले बच्चों को जेल भेजने का फैसला लिया, बिहार सरकार। अगला 11 जून 2019 को भारतीय वायुसेना का दुर्घटनाग्रस्त विमान AN-32 का कुछ अवशेष कहाँ देखा गया, अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले में। अगला 11 जून 2019 को 7वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर किसे चुना गया, बीजेपी सांसद डॉक्टर बीरेंद्र कुमार को। ये MP से आते हैं सांसद चुन। ठीक है, अगला 12 जून 2019 को किस विषय के साथ विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया, बच्चों को फील्ड में नहीं सपनों पर साकार पर काम करना चाहिए।
अगला है 12 जून 2019 को भारत के गुजरात राज्य के तटवर्ती क्षेत्रों में किस चक्रवाती तूफान ने दस्तक दी है, वायु ने। अगला है 13 जून 2019 को जारी सूचना के अनुसार दिल्ली विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने असम में मेढक की किस एक नई प्रजाति की खोज की है, तो यह धानी मेढक फ्रेडी फ्रॉग। अगला है 13 जून 2019 को इसरो द्वारा की गई घोषणा के अनुसार किस वर्ष तक भारत अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन स्थापित करेगा, वर्ष 2030 तक। अगला है 13 जून 2019 को ज्ञान पीठ पुरस्कार चंगनवा से किससे से सम्मानित होने वाले पहले अंग्रेजी लेखक हैं, अमिताभ घोष। अगला है 13 जून 2019 को कैंसर से जुड़ने वाली किस बैडमिंटन स्टार ने संन्यास लेने की घोषणा की है, तो ली चोंग बेई, ये मलेशिया की। अगला 13 जून 2019 को जारी दुनिया में सर्वाधिक कमाई वाली एथलीटों की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है, विराट कोहली। अगला 14 जून 2019 को जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना के तहत 18 से 40 वर्ष की आयु के किसानों को प्रतिमाह कितने रुपए का योगदान करना होगा, जिससे उन्हें 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर 3000 रुपए की न्यूनतम निश्चित मासिक पेंशन दी जाएगी, 100 रुपया। अगला है 14 जून 2019 को जारी ग्लोबल फीस इंडेक्स 2019 में भारत किस स्थान पर रहा, 141वें, प्रथम पे है आइसलैंड। अगला है 14 जून 2019 को किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना की शुरुआत की गई, बिहार सरकार। अगला है 14 जून 2019 को दुनिया भर में विश्व रक्तदान दिवस मनाया गया, विश्व रक्तदान दिवस 2019 की थीम थी तो सेव ब्लड फॉर ऑल। तो याद रखिए 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। अगला है 15 जून 2019 को जारी फीफा रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, 101वां, प्रथम पे है बेल्जियम। अगला है 15 जून 2019 को बीसीसी वर्ल्ड सर्विस ग्लोबल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, अक्षत पात, भारत में स्कूल भोजन परियोजना। अगला है 16 जून 2019 को स्लोवाकिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली, जुजाना के कुटुआ। अगला है 16 जून 2019 को मुंबई के सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम में आयोजित मिस इंडिया प्रतियोगिता में फेमिना मिस इंडिया 2019 किसने जीता है, सुमन राव, राजस्थान की है। अगला है 17 जून 2019 को की गई घोषणा के अनुसार वर्ल्ड फूड इंडिया 2019 का दूसरा संस्करण कहां आयोजित किया गया, नई दिल्ली में। अगला है 17 जून 2019 को जारी रिपोर्ट के अनुसार फिच ने 2019-20 वित्त वर्ष के लिए भारत की विकास अनुमान दर को कितना प्रतिशत तक कम कर दिया, 6%। अगला है 17 जून 2019 को 119वां यूएस ओपन गोल्ड चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है, तो यह गैरी वुडलैंड ने ब्रुक कोएपका को हराकर। अगला है 17 जून 2019 को पाकिस्तान आईएसआई का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया, लेफ्टिनेंट जनरल फेज हमीद को। अगला है 17 जून 2019 को स्वेस में 17वां राष्ट्रीय खिताब किसने जीता है, जोसना चिनप्पा ने सुनयाना कुरुवेला को हराकर। अगला 17 जून 2019 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस दिवस के रूप में घोषित किया गया, तो विश्व मरुस्थलीय दिवस, 17 जून को विश्व मरुस्थलीय दिवस के रूप में घोषित किया गया। अगला 17 जून 2019 को मोहम्मद मोर्सी का निधन हो गया, वे किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे, तो मिस्र के। अगला 17 जून 2019 को भाजपा का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो है जेपी नड्डा साहब। अगला 17 जून 2019 को वनडे में सबसे तेज 11,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए, विराट कोहली। अगला 18 जून 2019 को 17वीं लोकसभा का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, ओम बिरला को, बीजेपी नेता है और कोटा से सांसद है राजस्थान से, ठीक है। 18 जून 2019 को वनडे मैच की एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के 17 लगाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए, इथोन मॉर्गन, इंग्लैंड के हैं। अगला 18 जून 2019 को भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर धोखाधड़ी और अन्य निर्देशों का अनुपालन नहीं करने के लिए 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, HDFC बैंक। अगला 18 जून 2019 को RBI का नया कार्यकारी निदेशक किसे बनाया गया, डॉक्टर रवि एन मिश्रा को। अगला 18 जून 2019 को ICC विश्व कप में इंग्लैंड के खिलाफ 9 ओवर में 110 रन देकर विश्व कप इतिहास के सबसे खराब गेंदबाज कौन बने, अफगानिस्तान के लीग स्पिनर रशीद खान। अगला 18 जून 2019 को दुनिया भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया, यह सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी इकोनॉमी।
गैस्ट्रोनॉमी दिवस अगला 19 जून 2019 को की गई घोषणा के अनुसार राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री युवा सबल योजना के तहत पुरुष तथा महिला आवेदकों को कितने रुपए प्रति माह बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, तो एक क्रमशः 3,000 रुपए तथा 3,500। अगला है 19 जून 2019 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत किस वर्ष तक चीन को सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में पछाड़ देगा, वर्ष 2027 तक। अगला है 19 जून 2019 को फेसबुक ने किस नाम से क्रिप्टो करेंसी लाने की घोषणा की है, तो लिब्रा। अगला है 20 जून 2019 को भारत के राष्ट्रपति के अनुसार भारतमाला परियोजना के तहत किस वर्ष तक लगभग 35,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया जाएगा, वर्ष 2022 तक। अगला है 20 जून 2019 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने किसके विलय को मंजूरी दी, तो यह है इंडिया वुल्स हाउसिंग फाइनेंस और लक्ष्मी विलास पैलेस बैंक, विलास बैंक। अगला है 20 जून 2019 को 58वें ओस्टावा गोल्डन स्ट्राइक एथलेटिक्स 2019 में भारत की अन्नू रानी ने कौन सा पदक जीता, कांस्य पदक। अगला है 20 जून 2019 को ब्रिटेन में सतत विकास के लिए नवाचार पुरस्कार किस भारतीय इंजीनियर ने जीता, नीतेश कुमार जंगीर। अगला है 20 जून 2019 को किस विषय के साथ दुनिया भर में विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया, टेक ए स्टेप ऑन वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। अगला है 20 जून 2019 को भारत ने अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन के लिए नाइजर को कितना मिलियन डॉलर की वित्तीय सहायता दी है, तो 15 मिलियन डॉलर। अगला है 20 जून 2019 को जारी 2020 के लिए QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में IIT बॉम्बे किस स्थान पर आया, 152। अगला है 20 जून 2019 को विश्व तीरंदाजी ने भारतीय तीरंदाजी संघ में जारी गड़बड़ी को सुलझाने के लिए नियुक्त किया गया, अभिनव बिंदा को। अगला 21 जून 2019 को युवा फॉर क्लाइमेट एक्शन विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया, दुनिया भर में मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो याद रखिए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, योग दिवस, योगा दिवस। अगला 21 जून 2019 को ब्रिटिश हेराल्ड ने एक रीडर्स पोल में 2019 का सबसे ताकतवर व्यक्ति किसे चुना गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अगला 21 जून 2019 को कहां हाथियों के लिए एक जल चिकित्सालय खोला गया, मथुरा उत्तर प्रदेश में। अगला 21 जून 2019 को किस राज्य के नम्मा कोल्हापुरी चप्पल को GI टैग प्राप्त, कर्नाटक और महाराष्ट्र संयुक्त रूप से, तो याद रखिए कर्नाटक और महाराष्ट्र को। अगला 22 जून 2019 को भारतीय नौसेना ने भारतीय जहाजों को सुरक्षित पारागमन को सुनिश्चित करने के लिए कहां ऑपरेशन संकल्प का शुभारंभ किया है, अरब की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। अगला है 22 जून 2019 को अपनी शक्ति के तहत उड़ान भरने वाला पहला स्टोबी रोबोट कौन बन गया, नासा का बम्बल नामक रोबोट। अगला है 22 जून 2019 को 35वीं पुरुष एशियाई स्कूनर चैंपियनशिप किसने जीती है, पंकज, भारत के पंकज आडवाणी ने। अगला है 22 जून 2019 को किस देश ने ईरान पर साइबर अटैक किया है, अमेरिका ने। अगला है 23 जून 2019 को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। अगला है 23 जून 2019 को भारतीय महिला हॉकी टीम ने किसे हराकर महिला FIH सीरीज फाइनल्स हॉकी टूर्नामेंट अपने नाम किया है, तो जापान ने। अगला है 23 जून 2019 को GST परिषद ने मुनाफाखोरी प्रतिरोधक प्राधिकरण का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा, 2 साल के लिए बढ़ा दिया। अगला है 24 जून 2019 को एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्लेटफॉर्म गोम को लॉन्च किया है, करने वाला देश बना है UAE। अगला 24 जून 2019 को पूर्ण FATF वित्तीय कार्यवाही कार्यबल सदस्यता प्रदान करने वाली है, पहला अरब देश कौन बन गया, सऊदी अरब। अगला 24 जून 2019 को मंगोलिया के उलान बतार में आयोजित सीनियर एशियन आर्टिस्टिक चैंपियनशिप में किस भारतीय जिमनास्ट ने पदक, कांस्य पदक जीता है, प्रणति नायक। अगला 24 जून 2019 को किसने कार्यकाल के निर्धारण इस समय से 6 महीने पहले भारतीय रिजर्व बैंक की डिप्टी गवर्नर पद से इस्तीफा दे दिया, विरल आचार्य। अगला 24 जून 2019 को भारतीय वायुसेना ने कारगिल युद्ध के 20 साल पूरे होने पर किस हवाई अड्डे को एक युद्ध थिएटर में तब्दील कर दिया, ग्वालियर हवाई अड्डे को।
अगला है 25 जून 2019 को 2010 विश्व कप विजेता स्पेन टीम का हिस्सा रहे किस स्पेनिश फुटबॉलर ने संन्यास की घोषणा की है, तो यह फर्नांडो टोरेस टोरेस फर्नांडो टोरेस। अगला है 25 जून 2019 को मोरी टानिया का राष्ट्रपति किसे चुना गया, मोहम्मद औलद गजाउनी। अगला है 25 जून 2019 को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने औपचारिक रूप से अपना नया मुख्यालय कहां खोला है, स्विट्जरलैंड में। अगला है 25 जून 2019 को रेड इंक का जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है, तो यह ट्रिब्यून न्यूज सर्विस की पत्रकार रचना खेरा ने। अगला है 26 जून 2019 को संयुक्त राष्ट्र एवं कृषि संगठन का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया, क्यू डोंग चीन को, क्यू डोंग यू चीन के हैं। 26 जून 2019 को जारी एक दिवसीय रैंकिंग में भारत किस स्थान पर पहुंच गया, प्रथम। अगला 26 जून 2019 को भारतीय तटरक्षक बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया, के नटराजन। अगला 26 जून 2019 को दक्षिण भारतीय फिल्मों की जानी मानी किस अभिनेत्री का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया, विजया निर्मला। अगला 26 जून 2019 को किस थीम के साथ दुनिया भर में अंतरराष्ट्रीय नशा निषेध दिवस मनाया गया, तो यह न्याय के लिए स्वास्थ्य और स्वास्थ्य के लिए न्याय। अगला 26 जून 2019 को केंद्र सरकार द्वारा इंटेलिजेंस ब्यूरो और देश की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस बिंग रॉ का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया, तो यह क्रमशः अरविंद कुमार और सामंत गोयल। अगला 27 जून 2019 को बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र में आरक्षण को 16% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया, 12-13%। अगला 27 जून 2019 को मणिपुर राज्य के राज्यपाल के रूप में किसने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली है, तो पद्मनाथ बालकृष्ण आचार्य। अगला 27 जून 2019 को सबसे तेज 20,000 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने का कीर्तिमान किसने बनाया, भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली। अगला 28 जून 2019 को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर ने किसे डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी है, तो पुलेला गोपी चंद। अगला 28 जून 2019 को सऊदी अरब ने भारतीयों के लिए हज यात्रा के कोटे में कितना इजाफा कर दिया, 30,000 यात्री। अगला 28 जून 2019 को रेल मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा की गई घोषणा के अनुसार रेलवे में कितने प्रतिशत पदों पर महिलाओं की भर्ती होगी, 50%। अगला 28 जून 2019 को मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया का खिताब किसने जीता है, भारतीय मूल की प्रिया सराव ने। अगला 28 से 29 जून 2019 के बीच 14वीं G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया, ओसाका जापान में। अगला है हमारा 28 जून 2019 को भारत ने विश्व बैंक के साथ टीबी उन्मूलन के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए, 400। अगला है 29 जून 2019 को किस विषय के साथ राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया, तो यह सतत विकास लक्ष्य। अगला है 29 जून 2019 को विमलन के लिए क्वालिफाई करने वाली सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने, अमेरिका की 15 साल की कोरी को। अगला 29 जून 2019 को की गई घोषणा के अनुसार भारत के 20वें आईफा अवार्ड का आयोजन कहां किया जाएगा, नेपाल में। अगला 30 जून 2019 को किस राज्य ने 6 माह के लिए आपातकाल को विस्तारित करने की घोषणा की है, तो नागालैंड राज्य द्वारा। अगला 30 जून 2019 को उत्तर कोरिया क्षेत्र में कदम रखने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन बने, डोनाल्ड ट्रंप। अगला 30 जून 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार ने कितनी जातियों को अनुसूचित जातियों में शामिल किया, 17 जातियों को। अगला 3 जून 2019 को तमिलनाडु सरकार ने तितली के किस प्रजाति को राज्य तितली घोषित किया, तमिल एओ मैन को। चलिए तो ये थी हमारी जून की करंट अफेयर्स 2019 की। हेलो दोस्तों, तो चलिए इस लेक्चर में बात करते हैं हम लोग करंट अफेयर्स जुलाई 2019 के बारे में। 1 जुलाई 2019 को भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया, तो ये है N.S. विश्वनाथन। अगला 1 जुलाई 2019 को 7 महाद्वीपों के सबसे ऊंचे पर्वतों पर चढ़ाई करने वाली प्रथम IPS अधिकारी कौन बनी, अर्पणा कुमार। एक जुलाई 2019 को भारत में कौन सा दिवस मनाया गया, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस GST और GST दिवस। तो याद रखिए 1 जुलाई को GST दिवस भी मनाया जाता है, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस भी मनाया जाता है।
अगला 1 जुलाई 2019 को से किन दो देशों के बीच संयुक्त वायुसेना अभ्यास गरुण 6 का आरंभ हुआ? भारत और फ्रांस के बीच। अगला है 2 जुलाई 2019 को किस बॉलीवुड अभिनेत्री ने धार्मिक कारणों का हवाला देते हुए एक्टिंग छोड़ने का फैसला किया है? तो यह जायरा वसीम, जायरा वसीम। अगला है 2 जुलाई 2019 को वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल एशिया सिल्वर वेल्टर वेट चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? वैभव यादव, भारतीय। अगला है 2 जुलाई 2019 को नेशनल हाउसिंग बैंक का मैनेजर मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया? शारदा कुमार होटा। अगला है 2 जुलाई 2019 को किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए निःशुल्क फसल बीमा योजना लॉन्च की है? पश्चिम बंगाल सरकार। तो याद रखिए पश्चिम बंगाल सरकार ने किसानों के लिए निःशुल्क फसल बीमा योजना लॉन्च की है। अगला है 2 जुलाई 2019 को संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा गठबंधन के पहले संयुक्त सुरक्षा का आरंभ इस अभ्यास को किस नाम दिया गया? इस लेक्स 19। अगला है 3 जुलाई 2019 को IBSF स्कूनर विश्व कप 2019 से विजेता है पाकिस्तान, उपविजेता रहा है भारत। अगला है 3 जुलाई 2019 को राज्यसभा ने जम्मू कश्मीर में कितने महीने के लिए राष्ट्रपति शासन बढ़ाने की मंजूरी दी है? 6 महीने, भारतीय। 3 जुलाई 2019 को भारतीय क्रिकेट टीम के मेडल ऑर्डर के किस बल्लेबाज ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया? अंबाती रायडू। अगला है 3 जुलाई 2019 को विश्व कप क्रिकेट में 500 रन और 10 विकेट लेने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने? साकिब अल हसन, याद रखिए साकिब अल हसन, बांग्लादेश के। अगला है 3 जुलाई 2019 को माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट नेटवर्क का चेयरमैन ने किसे किया? मनोज कुमार लंबियार। अगला 4 जुलाई 2019 को गृह मंत्रालय द्वारा पुलिस स्टेशनों की रैंकिंग में भारत के किस जिले में स्थित पुलिस स्टेशन को पहला स्थान मिला है? राजस्थान का है, बीकानेर जिले के कालू पुलिस थाने को, राजस्थान के बीकानेर जिले में कालू पुलिस थाने को। अगला 4 जुलाई 2019 को फेस आर्थिक समीक्षा 2019 के अनुसार वित्त वर्ष 2020-2025 तक 5 लाख करोड़ डॉलर की खोनी बनने के लिए भारत को प्रति वर्ष कितना प्रतिशत ग्रोथ हासिल करने हुई? 7%। अगला 4 जुलाई 2019 को आर्थिक समीक्षा 2019 के घोषणा के दौरान पवन ऊर्जा में भारत को कौन से स्थान पर बताया गया? 4th। अगला 4 जुलाई 2019 को फेस आर्थिक समीक्षा 2019 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन के तहत कितने प्रतिशत लोगों की शौचालय तक पहुंच सुनिश्चित की गई? 93%। अगला 5 जुलाई 2019 को फेस आम बजट 2019-20 में किस योजना के जरिए देश में करीब 100 नए क्लस्टर बनाने की घोषणा की गई? स्फूर्ति। अगला 5 जुलाई 2019 को पेश आम बजट 2019-20 में रक्षा के लिए कितने आवंटित के लिए कितना आवंटन किया गया? तो 3.19 लाख करोड़। अगला 5 जुलाई 2019 को पेश आम बजट 2019-20 के अनुसार 1 साल में 1 करोड़ रुपए से अधिक नगद राशि निकालने पर कितना प्रतिशत TDS लगेगा? तो 2%। अगला 6 जुलाई 2019 को पग मोबाइल गेम को बैन करने वाला 5वां देश कौन बना है? जॉर्डन। अगला 6 जुलाई 2019 को विश्व धरोहर सूची में कौन सा शहर शामिल किया गया? जयपुर। अगला 6 जुलाई 2019 को जारी हैंडली पासपोर्ट इंडेक्स 2019 में भारत किस स्थान पर आया? 86वें। अगला 6 जुलाई 2019 को नारद सम्मान 2019 से किसे सम्मानित किया गया? तो यह अच्युतानंद साहू। अगला 7 जुलाई 2019 को फीफा महिला वर्ल्ड कप 2019 किसने जीता है? यूएसए ने नीदरलैंड को हराकर। अगला 7 जुलाई 2019 को वार्षिक वनालू उत्सव की शुरुआत किस राज्य में हुई? तेलंगाना में। अगला 7 जुलाई 2019 को 9वीं बार कोपा अमेरिका का खिताब किसने जीता? ब्राजील ने पेरू को हराकर। अगला 8 जुलाई 2019 को ओडिशा सरकार ने आर्थिक संकट से जूझ रहे राज्य के पद्म पुरस्कार विजेताओं को प्रत्येक माह कितने रुपए देने का फैसला किया? 10,000 रुपए।
अगला है 9 जुलाई 2019 को किसने 30वीं समर यूनिवर्सिटी गेम्स में 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक अपने नाम किया है? दूती चंद। अगला है 9 जुलाई 2019 को बुकियान फिल्म फेस्टिवल में नेटवर्क फॉर प्रमोशन ऑफ एशियन सिनेमा का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है? गली बॉय ने। अगला है 9 जुलाई 2019 को राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के प्रमुख रूप में किसे नामित किया गया? राहुल द्रविड़ को। अगला है 9 जुलाई 2019 को विश्व कप 2019 में सर्वाधिक मेडन ओवर डालने वाले गेंदबाज बने हैं? जसप्रीत बुमराह। अगला है 10 जुलाई 2019 को बीएसएनएल का सीएमडी किसे नियुक्त किया गया? पीके पुरवार। अगला है 10 जुलाई 2019 को नगर विमानन निर्देशालय का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? अरुण कुमार को। अगला है 11 जुलाई 2019 को दक्षिण के प्रसिद्ध किस अभिनेता का निधन हो गया? तो यह अमित पुरोहित। अगला है 11 जुलाई 2019 को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया? तो यह विश्व जनसंख्या दिवस। अगला है 12 जुलाई 2019 को 19वें राष्ट्रमंडल विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? लंदन में। अगला है 12 जुलाई 2019 को विश्व बैंक का प्रबंध निदेशक और मुख्य वित्तीय अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? अंशुला कांत भारतीय। अगला है 13 जुलाई 2019 को विंबलडन के पुरुष तथा एकल महिला खिताब किसने जीता है? तो ये क्रमशः नोवाक जोकोविच सर्बिया की सीमोना हालेप रोमानिया के। अगला है 14 जुलाई 2019 को प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड कप खिताब किस जीतने वाले दूसरे कप्तान कौन बने? केन विलियमसन न्यूजीलैंड के। 14 जुलाई 2019 को क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 के फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच किसे प्रदान किया गया? बेन स्टोक्स को इंग्लैंड के। 15 जुलाई 2019 को यूएस क्रिकेट टीम का अंतरिम कोच किसे नियुक्त किया गया? किरण मोरे। अगला है 15 जुलाई 2019 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सा दिवस मनाया गया? तो यह विश्व कौशल दिवस। अगला है 15 जुलाई 2019 को हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? कलराज मिश्रा को। अगला है 16 जुलाई 2019 को बिहार सरकार ने ऋतिक रोशन अभिनीत किस फिल्म को टैक्स फ्री करने की घोषणा की है? सुपर 30 को। तो याद रखिए ऋतिक रोशन अभिनेता की ये फिल्म है सुपर 30। अगला है 16 जुलाई 2019 को पाकिस्तान के करतारपुर कॉरिडोर के लिए रोजाना कितने तीर्थ यात्रियों को बिना वीजा आवागमन पर सहमति जताई? 5000। अगला है 17 जुलाई 2019 को पूरे विश्व में कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। अगला है 17 जुलाई 2019 को चीन ने श्रीलंका को उपहार में कौन सा युद्ध पोत दिया? 625। अगला है हमारा 17 जुलाई 2019 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने क्रिस्टीन लेगार्ड के इस्तीफा के बाद अंतरिम प्रमुख किसे नियुक्त किया? अमेरिकी अर्थशास्त्री डेविड लिप्टन। अगला है 17 जुलाई 2019 को संगीत नाटक अकादमी द्वारा किसको वर्ष 2019 के लिए संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप के लिए चुना गया? तो है सोनल मानसिंह को। अगला है 17 जुलाई 2019 को पश्चिम बंगाल में सवर्णों गरीबों के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? तो यह 10%। अगला है 18 जुलाई 2019 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने किस क्रिकेट बोर्ड को सरकारी हस्तक्षेप खत्म करने में नाकामी के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबन कर दिया? जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड। अगला है 18 जुलाई 2019 को तमिलनाडु सरकार ने किन दो नए जिलों को बनाने की घोषणा की है? तेनकासी और चेंगलपेट। अगला है 18 जुलाई 2019 को महाराष्ट्र सरकार ने सैन्य ऑपरेशन और युद्ध में शहीद होने वाले सुरक्षा बलों और सेना के जवानों परिवारों को आर्थिक सेना के जवानों के परिवारों की आर्थिक सहायता में दी जाने वाली राशि को 25 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया? 1 करोड़। अगला 18 जुलाई 2019 को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो यह नेल्सन मंडेला दिवस। अगला 18 जुलाई 2019 को एडीबी ने वित्त वर्ष 2020 के लिए 2020 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर को 2% से घटाकर कितना कर दिया? 7%। अगला 18 जुलाई 2019 को यूरोपीय संघ आयोग का नया अध्यक्ष किसे ने चुना गया? तो है उर्सुला वॉन डेर लेन जर्मनी के। अगला 18 जुलाई 2019 को ताबोर एथलेटिक्स में किसने स्वर्ण पदक जीता? हेमा दास। अगला 19 जुलाई 2019 को ISF जूनियर विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में किसने स्वर्ण पदक जीता? सरबजोत सिंह। अगला है 19 जुलाई 2019 को ICC हॉल ऑफ द फेम में शामिल होने वाले छठे भारतीय कौन बने? सचिन तेंदुलकर।
अगला है 20 जुलाई 2019 को हेमा दास ने चेक गणराज्य में नावे मेटोनाट मेटोजी ग्रांड प्री में महिलाओं कितने मीटर स्पर्धा में महिला स्थान हासिल किया 400 मीटर। अगला है 20 जुलाई 2019 को इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन के वेटरन पिन अवार्ड के लिए किसे नामित किया गया पूर्व एथलीट्स को। अगला है 20 जुलाई 2019 को पनामा में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया उपेंद्र सिंह रावत को। अगला है 20 जुलाई 2019 को इजराइल में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया संजीव कुमार श्रृंगला को। अगला है 20 जुलाई 2019 को दिल्ली के किस पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का निधन हो गया शीला दीक्षित को। अगला है 21 जुलाई 2019 को LGP सांसद रामचंद्र पासवान का निधन हो गया वे कहां से वर्तमान सांसद थे समस्तीपुर से। अगला 21 जुलाई 2019 को राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया विवेक कोहली। इक्कीस जुलाई 2019 का अस्ताना में आयोजित प्रेसिडेंट कप मुक्केबाजी टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने शिवा थापा। अगला 21 जुलाई 2019 को मिस्टर साउथ एशिया का खिताब किसने जीता रविंदर कुमार मलिक ने भारतीय है। अगला 22 जुलाई 2019 को किस शक्तिशाली रॉकेट से मिशन चंद्रयान 2 लॉन्च किया GSLV Mark 3। अगला 22 जुलाई 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के संयुक्त सचिव किसे नियुक्त किया गया तो यह है अजय भादु। अगला 22 जुलाई 2019 को उड़ीसा के कटक में आयोजित 21वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप के फाइनल में भारतीय पुरुष एवं महिला टीम ने किसे हराकर खिताब जीता इंग्लैंड को हराकर। अगला है 22 जुलाई 2019 को रॉयल पोर्टस में किसने अपने पहले गोल्ड खिताब के साथ ब्रिटिश ओपन में जीत हासिल की है सैन लोरी आयरिश ने। अगला है 23 जुलाई 2019 को ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना बोरिस जॉनसन। अगला है 23 जुलाई 2019 को मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों में OBC आरक्षण 14% से बढ़ाकर कितना कर दिया 27%। अगला है 23 जुलाई 2019 को ICC द्वारा जारी की गई टेस्ट बल्लेबाजों की रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन रहे विराट कोहली। अगला है 23 जुलाई 2019 को संगीत कला निधि पुरस्कार 2019 के लिए किसे चुना गया गायिका एम सौम्या को। अगला है 23 जुलाई 2019 को देश भर में कौन सा दिवस मनाया गया तो राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। अगला है 24 जुलाई 2019 को अमेरिकी सीनेट ने किस रक्षा सचिव नियुक्त किया तो है मार्क एस्पर। अगला है 24 जुलाई 2019 को जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2019 में भारत किस स्थान पर आया 52। अगला 24 जुलाई 2019 को छठे बंगाल ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट में पुरुष एवं महिला खिताब किसने जीता क्रमशः अभय सिंह तन्वी खन्ना ने। अगला 24 जुलाई 2019 को भारतीय टेबल टेनिस टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया डेजान पापिक कनाडा को। अगला 25 जुलाई 2019 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने किस भारतीय गृह सचिव नियुक्त किया तो प्रीति पटेल। अगला 25 जुलाई 2019 को जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में शामिल शीर्ष कंपनी भारतीय कंपनी कौन बनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अगला 25 जुलाई 2019 को आंध्र प्रदेश के नए राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है तो है श्री विश्वभूषण हरिचंदन। अगला 25 जुलाई 2019 को केंद्र सरकार द्वारा गृह सचिव किसे नियुक्त किया गया तो यह अजय कुमार भल्ला। अगला 26 जुलाई 2019 को भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है कारगिल दिवस। याद रखिए कारगिल दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। अगला 26 जुलाई 2019 को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया तो यह अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के नेता है। अगला 26 जुलाई 2019 को एशियाई विकास बैंक ने त्रिपुरा में बिजली उत्पादन के उन्नतीकरण के लिए कितने करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है तो यह 1925 करोड़ रुपए। अगला 26 जुलाई 2019 को किस क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट में से संन्यास लेने की घोषणा की है तो यह श्रीलंका के गेंदबाज लसित मलिंगा। अगला 26 जुलाई 2019 को किसने कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है BS येदुरप्पा। अगला 26 जुलाई 2019 को महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया सुनील कुमार को। अगला 26 जुलाई 2019 को ब्रिक्स देशों में के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई रियो द जेनेरो ब्राजील में। अगला 27 जुलाई 2019 को पांचवा धर्म सम्मेलन कहाँ हुआ है राजगीर में। अगला 28 जुलाई 2019 को जर्मन
ग्रैंड प्री किसने जीता है? मैक्स वर्स्टापन ने सेबेस्टियन बेटल को हरा कर। अगला 28 जुलाई 2019 को की गई घोषणा के अनुसार खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? गुवाहाटी में। अगला 29 जुलाई 2019 को प्राकलन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ग्रीस वाप्टा को। अगला 29 जुलाई 2019 को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। अगला 29 जुलाई 2019 को किस विषय के साथ विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया गया? तो है इन्वेस्ट इन एलिमिनेटिंग हेपेटाइटिस इन्वेस्ट इन एलिमिनेटिंग हेपेटाइटिस। अगला 29 जुलाई 2019 को मोहन भागवान रत्न से किसे सम्मानित किया गया? सांसद किशुन बनर्जी और केशव दत्त को। अगला 30 जुलाई 2019 को विठल रादडिया का निधन हो गया, वे किस राज्य के पूर्व सांसद थे? गुजरात के। अगला है हमारा 30 जुलाई 2019 को कोलंबिया का पहला 2D अवार्ड किसने जीता है? ईगन वर्नल ने। अगला 30 जुलाई 2019 को किसने यूएस में पीपल्स चॉइस अवार्ड जीता है? सुदर्शन पटनेक ने। अगला 30 जुलाई 2019 को की गई घोषणा के अनुसार भारतीय सेना के अगले सैन्य संचालन महानिदेशक कौन बने? लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह 1 अक्टूबर से। अगला 30 जुलाई 2019 को की गई घोषणा के अनुसार 44वीं टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में ट्रिब्यूट एक्टर अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया? मेरिल स्टीव को। चलिए ये थी जुलाई करंट अफेयर्स 2019। हेलो दोस्तों, तो चलिए अब हम बात करते हैं करंट अफेयर्स अगस्त 2019 के बारे में। 1 से 7 अगस्त 2019 के बीच किस विषय के साथ विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया गया है? तो ये था माता पिता को सशक्त बनाना और स्तनपान को सक्षम करना। तो क्या था? माता पिता को सशक्त बनाना और स्तनपान को सक्षम करना। तो याद रखिए 1 से 7 अगस्त के बीच विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया गया। अगला 1 अगस्त 2019 को भारतीय रिजर्व बैंक ने किस देश में नियमित बैंक सेवाएं देने की अनुमति दी है? तो बैंक ऑफ चाइना। अगला 1 अगस्त 2019 को ईस्ट बंगाल क्लब के सर्वोच्च सम्मान भारत गौरव से किसे सम्मानित किया गया? पूर्व क्रिकेटर कपिल देव। अगला 1 अगस्त 2019 को किसने मिस इंग्लैंड 2019 का खिताब जीता? तो ये भारतीय मूल की भाषा मुखर्जी। अगला हमारा 1 अगस्त 2019 को विश्व बैंक द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2018 में जीडीपी के मामले में भारत विश्व कप की कौन सी अर्थव्यवस्था बन गई? तो चलिए तो हम बात करते हैं करंट अफेयर्स सितंबर 2019 के बारे में। 1 सितंबर 2019 द्वारा किस मंत्रालय द्वारा मोटर वाहन कानून 2019 लागू किया गया? तो यह केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय। इसके केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी साहब, ठीक है। अगला 1 सितंबर 2019 को उपराष्ट्रपति द्वारा कहा भारत की सबसे लंबी विद्युतीकृत रेल सुरंग का उद्घाटन किया है? तो ये आंध्र प्रदेश में चेर लो ली राम रापुरु के बीच है। अगला 1 सितंबर 2019 को T20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए श्रीलंका के लसित मलिंगा। अगला है 2 सितंबर 2019 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गर्वी गुजरात भवन का उद्घाटन किया है दिल्ली में। अगला है 2 सितंबर 2019 को भारतीय सेना के उप प्रमुख के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो लेफ्टिनेंट जनरल मुकुंद नवरने ने। अगला है हमारा 2 सितंबर 2019 को इंडोनेशिया की नई राजधानी कौन बना है? तो है बोर्नियो द्वीप। अगला 2 सितंबर 2019 को के विडला फाउंडेशन द्वारा 2018 के 28वें सरस्वती सम्मान से किसे नवाजा गया?
डॉक्टर के शिवा रेड्डी। अगला हमारा 2 से 13 सितंबर 2019 तक कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज का 14वां सम्मेलन कहाँ हुआ है? यह हुआ है ग्रेटर नोएडा में, भारत में, ठीक है। अगला है 2 सितंबर 2019 का सेफ अंडर 15 फुटबॉल टूर्नामेंट किसने जीता है? भारत ने नेपाल को हराकर। अगला है 3 सितंबर 2019 को चौथा हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? माले में, मालदीप में। अगला है 3 सितंबर 2019 को किस महिला क्रिकेटर ने T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? मैताली राज ने। अगला है 3 सितंबर 2019 को किस देश द्वारा निर्मित 8AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर को भारतीय वायुसेना में शामिल कर लिया गया? अमेरिका। अगला है 3 सितंबर 2019 को ब्राजील के रियो डी जेनेरो में संपन्न ISS शूटिंग विश्व कप राइफल पिस्टल चैंपियनशिप में कितने पदक के साथ भारत सबसे ऊपर रहा? 9, जिसमें 5 स्वर्ण हैं, 2 रजत हैं और 2 कांस्य। अगला है 4 से 6 सितंबर 2019 के बीच 5वीं पूर्वी आर्थिक मंच की बैठक में कहां आयोजित की? रूस के व्लादिवोस्तोक में। अगला है 4 सितंबर 2019 को जारी एक्सोस की खुशहाल देशों की रैंकिंग में भारत किस स्थान पर रहा? 9वें पे। अगला है 4 सितंबर 2019 को किस क्रिकेट खिलाड़ी ने भारतीय गेंदों के संरक्षण के लिए रोहित फोर हेनोस अभियान शुरू किया? रोहित शर्मा द्वारा। अगला है 4 सितंबर 2019 को लिसेथो में भारत का अगला उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया? जयदीप सरकार को। अगला है 5 सितंबर 2019 को दक्षिण पूर्व एशियाई देशों ने किस वर्ष तक चेचक और खसरा को खत्म करने के लक्ष्य को लेकर एक साथ काम करने का फैसला किया है? तो वर्ष 2023 तक। अगला है 5 सितंबर 2019 को किन दो देशों के बीच संयुक्त सेना युद्धाभ्यास 2019 वॉशिंगटन के ज्वाइंट बेस लेविस मैकार्ड में शुरू हुआ है? तो अमेरिका। अगला हमारा 5 सितंबर 2019 को वैक थ्यू पुरस्कार जिसे ऑस्कर ऑफ साइंस के नाम से जाना जाता है से सम्मानित किया गया? ब्लैक हॉल की पहली तस्वीर लेने वाले वैज्ञानिकों को। अगला है 6 सितंबर 2019 को जारी वैश्विक यात्रा एवं पर्यटन प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2019 में भारत किस स्थान पर रहा? 34वें। अगला है 6 सितंबर 2019 को अब तक के सबसे युवा टेस्ट कप्तान कौन बन गए? तो हैं अफगानिस्तान के लेग स्पिनर रशीद खान। अगला है 6 सितंबर 2019 को रियो डी जेनेरो में ISSF विश्व कप में मिक्स्ड 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो है मनु भास्कर और सौरभ चौधरी ने। अगला है 6 सितंबर 2019 को रॉबर्ट मुगावे का निधन हो गया है कि वे देश के पूर्व राष्ट्रपति थे, जिम्बाब्वे। अगला है 6 सितंबर 2019 को स्वच्छ प्रतिष्ठित संस्थान की रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ स्थल का पुरस्कार किसने जीता है? जम्मू कश्मीर के माता वैष्णो देवी को। अगला है 7 से 14 सितंबर 2019 के बीच नौसैनिक युद्धाभ्यास 2019 का आयोजन किन दो देशों के बीच आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में किया गया? तो भारत और श्रीलंका। अगला है हमारा 7 सितंबर 2019 को केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत कितने करोड़ LPG गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य हासिल कर लिया? 8 करोड़। अगला है 7 सितंबर 2019 को किस बॉलीवुड अभिनेत्रा एवं अभिनेता एवं डांस मास्टर का निधन हो गया? तो है वीरू कृष्णन। अगला है 7 सितंबर 2019 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्यों में पहले स्थान पर कौन रहा है? हरियाणा। अगला है 7 सितंबर 2019 को नॉर्वे में अगला भारतीय राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो बी बाला भास्कर को। अगला है 7 सितंबर 2019 को प्रेस टेस्ट ऑफ इंडिया का चेयरमैन किसे चयनित किया गया? विजय कुमार चोपड़ा। अगला है 7 सितंबर 2019 को कांग्रेस नेता व पूर्व सांसद सुखदेव सिंह लीवा का निधन हो गया, वे किस लोकसभा के सदस्य थे? 14वीं और 15वीं। अगला है 7 सितंबर 2019 को पाकिस्तान के किस दिग्गज लेग स्पिनर का निधन हो गया? तो है अब्दुल कादिर। अगला है 7 सितंबर 2019 को चंद्रयान 2 के लैंडर के चंद्रमा की सतह पर उतरने का निर्धारण प्रक्रिया में कितना किलोमीटर की दूरी पर लैंडर का धरती से संपर्क टूट गया? तो है 2.1 किलोमीटर। अगला है हमारा 8 सितंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के किस वरिष्ठ वकील का निधन हो गया? तो है राम जेठमलानी। अगला है हमारा 8
सितंबर 2019 को की गई घोषणा के अनुसार केंद्र सरकार जल जीवन मिशन के तहत कितने रुपए खर्च करेगी? 3.5 लाख करोड़ रुपए। अगला है हमारा 8 सितंबर 2019 को यूएस ओपन 2019 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? बियांका एंडी स्क्यू कनाडा ने। अगला है 8 सितंबर 2019 को किस विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया? अगला है एयर लिटरेसी एंड मल्टी लैंग्वेजिज्म। अगला है हमारा 8 सितंबर 2019 को यूएस ओपन 2019 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? स्पेन के राफेल नडाल ने रूस के डेनियल मेदवेदेव को हराकर। अगला है 8 सितंबर 2019 को बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास TSENTR 2019 कहां शुरू हुआ? रूस के ओरेनबर्ग स्थित डोंगोज प्रशिक्षण रेंज में। अगला है 9 सितंबर 2019 को पूर्वोत्तर परिषद का 68वां पूर्ण सत्र कहां हुआ है? तो गुवाहाटी में। अगला है 9 सितंबर 2019 को क्रिकेट का दिलीप ट्रॉफी किसने जीता है? तो इंडिया रेड ने इंडिया ग्रीन को हराया था। अगला है 9 सितंबर 2019 को किस तूफान ने जापान के टोक्यो शहर में भारी तबाही की है? तो फेक्साई तूफान ने। अगला है 9 से 12 सितंबर 2019 के बीच 24वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस का आयोजन हुआ है? तो अबू धाबी में। अगला है 9 सितंबर 2019 को इटालियन ग्रैंड प्री किसने जीता है? चार्ल्स लेक्लर। अगला 10 सितंबर 2019 को स्वच्छ भारत मिशन के तहत किस रेलवे स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ प्रतिष्ठित सम्मान स्थान पुरस्कार प्रदान किया गया? तो है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल मुंबई। अगला है हमारा 10 सितंबर 2019 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। अगला है 10 सितंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष तक देश को पूरी तरह से प्लास्टिक मुक्त बनाने की योजना रखी है? तो वर्ष 2022। तो अगला है 10 सितंबर 2019 को माइक्रोसॉफ्ट ने किसको माइक्रोसॉफ्ट इंडिया रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? तो राजीव कुमार। अगला है 11 सितंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रमुख सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? पीके सिंघा को। अगला है 11 सितंबर 2019 को किस तमिल फिल्म निर्देशक का निधन हो गया? तो यह राजा शेखर। अगला है 11 सितंबर 2019 को गुजरात उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? विक्रमनाथ जी। अगला 11 सितंबर 2019 को प्रधानमंत्री के नए प्रधान सचिव के रूप में किसने पदभार संभाला है? डॉक्टर पीके मिश्रा। अगला 11 सितंबर 2019 को 2019 एशिया पैसिफिक गोल्ड हॉल ऑफ फेम में किसने शामिल किया? हीरो मोटो कॉर्प के प्रबंध निदेशक पवन मुंजाल। अगला 11 सितंबर 2019 को पहला हेलीकॉप्टर शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? देहरादून उत्तराखंड में। अगला 11 सितंबर 2019 को वर्ष 2020 के लिए जारी टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किसको संयुक्त रूप से सर्वोच्च भारतीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया? तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु और IIT रोपड़ संयुक्त रूप से। अगला 12 सितंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान मान धन योजना शुरुआत की है रांची झारखंड से। अगला 12 सितंबर 2019 को विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस देश को बर्ड फ्लू से मुक्त देश घोषित किया? तो भारत। अगला 12 सितंबर 2019 को किस विषय के साथ नेपाल इंफ्रास्ट्रक्चर शिखर सम्मेलन 2019 नेपाल के काठमांडू में आयोजित किया गया? रेजिस्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगला 12 सितंबर 2019 को लता मंगेशकर पुरस्कार 2019-20 से किसे सम्मानित किया गया? तो वरिष्ठ संगीतकार उषा खन्ना। अगला 13 सितंबर 2019 को वैज्ञानिकों ने किस बहिर्ग्रह पर पहली बार जल वाष्प का पता लगाया? तो K218b K218b। अगला 13 सितंबर 2019 को 18 सदस्यीय महिला हॉकी टीम का कप्तान किसे बनाया गया? रानी रामपाल। अगला 13 सितंबर 2019 को रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO ने भारतीय वायुसेना को दूसरा हवाई चेतावनी विमान सौंप दिया है, उस विमान का नाम है नेत्रा। अगला 14 सितंबर 2019 को देशभर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? हिंदी दिवस। तो याद रखिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है।
अगला 14 सितंबर 2019 को अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? भारत ने बांग्लादेश को हराकर। अगला 14 सितंबर 2019 को राजस्थान की सूचना के अधिकार अधिनियम की सही भावना में जनता को सरकारी प्राधिकरण और विभागों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए किस नाम से सार्वजनिक सूचना पोर्टल लॉन्च किया? जन सूचना पोर्टल 2019। अगला 14 सितंबर 2019 को हरियाणा सरकार ने किसको स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी रानी राय सोनीपत का पहला चांसलर नियुक्त किया? कपिल देव को। अगला 14 सितंबर 2019 को इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड की क्रिकेट समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एंड्रयू स्टॉक्स को। अगला 15 सितंबर 2019 को किस विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया? तो ये पार्टिसिपेशन। अगला 15 सितंबर 2019 को देश भर में किस दिवस को मनाया जाता है? तो ये इंजीनियर्स डे। तो याद रखिए 15 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है और 15 सितंबर को ही इंजीनियर्स डे मनाया जाता है दिवस। अगला 16 सितंबर 2019 को गूगल ने डूडल बनाकर किस प्रसिद्ध अमेरिकी संगीतकार को याद किया? बीबी किंग को। अगला 16 सितंबर 2019 को बेल्जियम अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन का खिताब किसने जीता? यह लक्ष्य सेन भारतीय। अगला 16 सितंबर 2019 को 21वीं सदी की 100वीं सर्वश्रेष्ठ फिल्म की द गार्जियन सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय फिल्म कौन बन गई? गैंग ऑफ वासेपुर। निर्माता है इसके अनुराग कश्यप। अगला 16 सितंबर 2019 को किस थीम के साथ विश्व ओजोन दिवस मनाया गया? तो यह 32 ईयर एंड हीलिंग। अगला 14 सितंबर 2019 को बास्केटबॉल विश्व कप खिताब किसने जीता है? स्पेन ने अर्जेंटीना को हराकर। अगला 16 से 29 सितंबर 2019 के बीच किन दो देशों के बीच मैत्री 2019 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास मेघालय के उमरोई में आयोजित किया गया? यह भारत थाईलैंड के बीच मैत्री संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है, ठीक है। अगला 17 सितंबर 2019 को कहां दक्षिण एशिया का सबसे ऊंचा टावर लोटस टावर का अनावरण किया गया? तो श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में। अगला 17 सितंबर 2019 को किन देशों के मध्य नौसेना का पहला त्रिपक्षीय अभ्यास सिटमैक्स 2019 शुरू किया? तो सिंगापुर थाईलैंड भारत। अगला हमारा 17 सितंबर 2019 को आंध्र प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त किसे नियुक्त किया गया? तो है पी लक्ष्मण रेड्डी। अगला 18 सितंबर 2019 को मुंबई में आयोजित 20वें आईफा अवार्ड के तहत बेस्ट फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को दिया गया? राजी को। अगला 28 सितंबर 2019 को 20वें आईफा अवार्ड के तहत बेस्ट एक्टर एवं बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे दिया मिला? तो क्रमशः रणवीर सिंह फिल्म है पद्मावत के लिए, आलिया भट्ट फिल्म राजी के लिए। अगला 18 सितंबर 2019 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने हवा से हवा में मार करने वाली किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? अस्त्र का। अगला हमारा 18 सितंबर 2019 को किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को ऑस्कर के लिए नामित किया गया? मोतीबाग। उत्तराखंड के किसान के जीवन पर आधारित है मोतीबाग टीम। अगला 18 सितंबर 2019 को बॉलीवुड के प्रसिद्ध किस हॉरर फिल्म निर्माता का निधन हो गया? तो यह श्याम राम से। अगला 18 सितंबर 2019 को विदेश में भारतीय मिशन में सैन्य राजनयिक के तौर पर नियुक्त देश के किसी भी सशक्त बल की पहली महिला अधिकारी कौन बनी? विंग कमांडर अंजलि सिंह। अगला 18 सितंबर 2019 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्ववास दिवस। अगला 19 सितंबर 2019 को किससे अमेरिका में एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2019 से सम्मानित किया? सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को। अगला है 19 अगस्त 2019 को संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? रॉबर्ट ओ ब्रायन। अगला 19 सितंबर 2019 को स्वदेश निर्मित हल्के लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भरने वाले पहले रक्षा मंत्री बने राजनाथ सिंह। अगला 20 सितंबर 2019 को फीफा की ताजा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम किस स्थान पर है? 104वें। तो फीफा की ताजा रैंकिंग में भारत फुटबॉल टीम 104वें स्थान पर है। अगला 20 सितंबर 2019 को किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों में तीसरी से
लेकर आठवीं कक्षा तक संस्कृत भाषा को अनिवार्य कर दिया तो उत्तराखंड सरकार ने। अगला है 20 सितंबर 2019 को अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव के 5वें संस्करण का समापन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। अगला है 20 सितंबर 2019 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में गेंदबाजी एक्शन को अवैध पाए जाने के कारण किस श्रीलंकाई ऑफ स्पेनर को 1 वर्ष के लिए अंतर्राष्ट्रीय मैचों में गेंदबाजी करने से प्रतिबंध कर दिया? तो है अकीला दलंजर। अगला है 20 सितंबर 2019 को किससे राष्ट्रीय युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2018 सम्मानित किया गया? तो है सोहिनी गांगुली। अगला है हमारा 21 सितंबर 2019 को किस थीम के साथ विश्व शांति दिवस मनाया गया? तो यह क्लाइमेट एक्शन फोर्स पीस। अगला है हमारा 21 सितंबर 2019 को किस राज्य सरकार ने उभरती हुई प्रौद्योगिकी से संबंधित विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करके 2020 को कृत्रिम बुद्धिमत्ता वर्ष घोषित करने का निर्णय लिया है? तेलंगाना सरकार ने। अगला है हमारा 21 सितंबर 2019 को किस पेमेंट बैंक ने भारत भरोसा बचत खाता सेवाएं शुरू की है? एयरटेल पेमेंट्स बैंक। अगला 21 सितंबर 2019 को 92वें अकादमी पुरस्कार हेतु अंतर्राष्ट्रीय फीचर भारत की आधिकारिक विशिष्ट के तौर पर किस फिल्म को चयनित किया है? गली बॉय। अगला 20 सितंबर 2019 को विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किस भारतीय पहलवान ने कांस्य पदक जीता है? बजरंग पूनिया और रवि दहिया। अगला 20 सितंबर 2019 को चीनी ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? स्पेन की कैरोलिना मारिन ने ताइवान की ताई जू एंग को पराजित कर। अगला हमारा 20 सितंबर 2019 को मध्य प्रदेश सरकार ने किसको राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो यह फिल्म अभिनेता गोविंदा। अगला 23 सितंबर 2019 को वर्ष 2018 के दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के लिए चुना गया अमिताभ बच्चन को। अगला है 23 सितंबर 2019 को जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन 2019 आयोजित हुआ है न्यूयॉर्क में। अगला है 23 सितंबर 2019 को फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया? लियोनेल मेसी को, अर्जेंटीना। अगला है 23 सितंबर 2019 को किस विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया गया? सांकेतिक भाषा सबका अधिकार। अगला है 23 सितंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका स्थित ह्यूस्टन के एन आरजी स्टेडियम से किस कार्यक्रम में 50,000 भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया? हाउडी मोदी। अगला हमारा 23 सितंबर 2019 को एमी अवार्ड 2019 पुरस्कार के अंतर्गत किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ ड्रामा श्रृंखला का अवार्ड जीता है? गेम ऑफ थ्रोन्स। अगला है 24 सितंबर 2019 को अमेरिका में ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। अगला है 24 सितंबर 2019 को अरुणाचल प्रदेश से लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पदोन्नत होने वाली पहली महिला कौन बनी? पुनुंग डोमिंग। अगला 25 सितंबर 2019 को पहला कैरिकॉम भारत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? न्यूयॉर्क में। अगला 26 से 28 सितंबर 2019 के बीच दूसरा भारत सिंगापुर हैकथॉन कहाँ आयोजित किया गया? IIT मद्रास। अगला 26 सितंबर 2019 को यूनाइटेड नेशंस के ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड किसे दिया गया? भारतीय आईटी कंपनी इंफोसिस को। अगला 26 सितंबर 2019 को किसको अमेरिका में चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित किया गया? राजस्थान के पायल जंगी डको को। अगला 26 सितंबर 2019 को किस विषय के साथ विश्व समुद्री दिवस मनाया गया? तो यह समुद्री समुदाय में महिलाओं का सशक्तिकरण। अगला हमारा 27 सितंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कि किस सत्र को संबोधित किया? 74वें सत्र। अगला 27 सितंबर 2019 को किस विषय के साथ विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया? पर्यटन और नौकरियां सभी के लिए बेहतर भविष्य। अगला हमारा 27 फरवरी 2019 को चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? थल सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत को। अगला 27 सितंबर 2019 को मालाबार सेना अभ्यास 23वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? जिसमें भारत जापान और अमेरिका नौसेना शामिल हुई, जापान के ससेवो शहर के समीप पश्चिमी प्रशांत महासागर में। अगला है हमारा 27 सितंबर 2019 को किस देश ने पहली बार पर्यटकों को टूरिज्म वीजा जारी करने की घोषणा की है? सऊदी अरब ने। अगला है हमारा 28 सितंबर 2019 को अफगानिस्तान क्रिकेट का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया? दक्षिण अफ्रीका के पूर्व खिलाड़ी लांस किलूजनर।
अगला 27 सितंबर 2019 को स्कॉर्पियन श्रेणी के किस पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया है? INS खांदेरी। अगला 28 सितंबर 2019 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व रेवीज दिवस। अगला हमारा 29 सितंबर 2019 को किस भारतीय शास्त्रीय गायक के नाम पर क्षुद्र गायक का नाम रखा गया? पंडित जसराज। अगला हमारा 29 सितंबर 2019 को किस विषय के साथ विश्व हृदय दिवस मनाया गया? तो माई हार्ट योर हार्ट। अगला 29 सितंबर 2019 को कहां भारत की तीनों सेनाओं ने स्मेलिंग फील्ड नाम से पहला संयुक्त अभ्यास किया है? तो गुजरात। अगला 30 सितंबर 2019 को जारी नीति आयोग की स्कूली शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक में पहले और अंतिम स्थान पर रहे हैं केरल और उत्तर प्रदेश। पहले पर केरल और अंतिम पर उत्तर प्रदेश। अगला 30 सितंबर 2019 को DRDO ने स्वदेशी उपकरणों वाली किस सुपर सैनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ब्रह्मोस। मारक क्षमता है 290 से 400 किलोमीटर। अगला हमारा 30 सितंबर 2019 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो यह अंतरराष्ट्रीय अनुवाद दिवस। अगला हमारा 30 सितंबर 2019 को आजाद हिंद फौज के किस पूर्व सैनिक का निधन हो गया? तो बी गणेशन। अगला 30 सितंबर 2019 को ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में शाखा खोलने वाली पहली भारतीय बैंक कौन बनी? SBI। अगला 30 सितंबर 2019 को किसने 26वीं वायुसेना प्रमुख के रूप में अपना कारवा संभाला है? RKS भदौरिया ने। कौन है? RKS भदौरिया। चलिए तो ये था सितंबर का करंट अफेयर्स।